एक और शानदार ट्रेडिंग सेशन, जहां शुक्रवार की तेजी को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाते हुए बाजार आखिरी डेढ़ घंटे का एक्शन कहां होगा, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स में करें खरीदारी, इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं देवांशी आचार्य। सबसे पहले आप बाजार का हाल देखें। आज के दिन में लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त तेजी आती हुई दिखी। करीब आप देखिए 3% के उछाल के साथ निफ्टी और निफ्टी बैंक में भी जोर का उछाल आता हुआ दिखा। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून, ये वाकई में आफ्टरनून गुड है, इसको कह सकते हैं कि और ऐसी ही आफ्टरनून हर रोज पे तो उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से जैसा जब आपको याद है ना, पिछले हफ्ते भी हम ये कह रहे थे कि हर रोज थोड़ी 150 गिरेगा निफ्टी, हर रोज 150 गिरेगा तो शायद 7500 दिन में मार्केट बंद हो जाएगा। बस वहाँ से आपने देखा, बस वहीं से हुआ। तो वैसे ही हर रोज इतना भी नहीं बढ़ सकता, ये हम भी जानते हैं, लेकिन जब तक पार्टी चल रही है, जब तक म्यूजिक चल रहा है, डांस कर लीजिए, ठीक है। तो यही थीम है। सो बेसिकली अब तक का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि 11,500 के पार निकल कर टिकना निफ्टी का आज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ा अचीवमेंट क्यों है, क्योंकि 11,500 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, उसको पार किया। एक बार थोड़े से वक्त के लिए शायद 11,470 का आज हमने लो बनाया, हार्डली थोड़े से वक्त के लिए, और वहाँ से फिर घूम गए। पॉइंट ये है 11,000 से लेकर 11,500 के ऑप्शंस में, अगर आप देखिए कॉल ऑप्शंस में, तो लगभग 1.25 करोड़ शेयर के आसपास का, 1.5 करोड़ शेयरों के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया। जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, इन शॉर्ट पोजीशंस को कटना है, और यही शॉर्ट सेलर्स आप बाज़ार को नीचे नहीं आने देंगे। थोड़ा सा बाज़ार 100-125 पर नीचे आएगा, वहाँ पर आपको तुरंत खरीदारी आती हुई देखेंगे कि चलिए ले लेते हैं, बड़ी मुश्किल से नीचे आया है, वो होता हुआ दिख रहा है। ठीक वैसा ही आपको रुझान बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। बैंक निफ्टी भी आप देखिए 30,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में था, आप उसके नीचे ही नहीं गए, मुश्किल से 25 पॉइंट। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं बाजार के, वो बाजार होल्ड कर रहा है। जिन लेवल्स पर शॉर्ट सेलर्स आकर सपोर्ट देंगे, वो भी तेजी करने वालों को पता है, और वो उसके नीचे ही नहीं जाने दे रहे हैं। तो आखिरी डेढ़ घंटा आप बड़े साइजेबल करेक्शन की उम्मीद में है कि मुझे बहुत ज़्यादा नीचे मिलेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 7500 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आना निफ्टी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं इतनी तेज़ी होने के बाद, लेकिन तेज़ी ज़बरदस्त है, खरीदारी ज़बरदस्त है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल के जो डेटा है उसके मुकाबले में आज के डेटा आप FIs और घरेलू फंड के देखेंगे वो और बेहतरीन होंगे। थोड़ा भरोसा आ रहा है FIs के डेटा पर? नहीं आएंगे, आने ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, कहाँ जाएंगे, नहीं आएंगे तो ठीक है भाई। देखिए वो एक कहावत है कि जब बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं ना, ये तेजी की आंधी है। आंधी तूफान आपने देखे ना लाइफ में? आंधी तूफान में क्या होता है, बड़े पुराने घने पेड़ गिर जाते हैं, आड़े हो जाते हैं, लेकिन जमीन पे जो नरम घास होती ना वो वैसी की वैसी रहती है, जो झुक जाता है वो बच जाता है, आंधी के सामने जो तनके खड़ा रहता है वो टूट जाता है। तो FIs जित बहुत तनके खड़े हैं ये टूटेंगे, नहीं बच सकते, ये आंधी है तेजी की। बिल्कुल, ये था आपका गुरुगान आज के लिए। अब ये बताइए कि ये तो थी एक बड़ी बात कि आज निफ्टी पर इतनी तेजी है 11,500 के लेवल्स के ऊपर, और निफ्टी बैंक का आप देखिए 30,000 के लेवल्स के करीब यहाँ पे पहुंचने, 30,500 ये इम्पोर्टेंट बहुत ही शानदार। अब ये बताइए चार और बड़ी बातें कौन सी है? देखिए अब सबसे बढ़िया बात ये कि दो दिनों में निफ्टी बैंक 4,000 पॉइंट चढ़ चुका है, 2223 पॉइंट चढ़ा था शुक्रवार को और आज भी 1500 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। बैंक्स, फाइनेंस, FMCG, रियल एस्टेट, ये तमाम सेक्टर, आज खास बात है कि कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक काफ़ी बेहतरीन तेजी दिखाते हुए नजर आए, ये बाजार के लिए बहुत अच्छा है। ऑटोमेटल शेयर भी मजबूत है, हाँ IT और फार्मा, ये जरूर, फार्मा तो खबरों की वजह से गिरा है और IT कमजोर है ही, तो यहाँ पर गिरावट है। बिल्कुल, तो आप देखिए ये थी पांच बड़ी बातें आज के लिए। सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं, और मार्केट्स देखिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि आज और कल कौन से बड़े इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, जिसके चलते बाजार में थोड़ी सी हलचल देखने मिलेगी। ये बताने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून देवांशी। आज तो ऐसा कुछ है नहीं, कल के ट्रिगर्स देख लेते हैं। सबसे पहले कावेरी सीट की बायबैक को लेकर बोर्ड बैठकर तो यहाँ पर नजर रखेगा, इसके अलावा टेक्समैको रेल, यहाँ पर कंपनी के जो राइट्स इशू है उसकी एक्स डेट है, कंपनी 200 करोड़ रुपए जुटाएगी राइट्स इशू के माध्यम से, 40.70 रुपए का भाव तय किया गया है और 100 शेयर पर 19 शेयर का रेशियो तय किया गया है। 25 तारीख यानी परसों एक्सिस बैंक, यहाँ पे जो QIP लॉन्च हुआ है उसका भाव तय किया जाएगा। इसके अलावा DHFL यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने का आखिरी दिन है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का US में 5वां दिन होगा जहाँ पर वो कॉरपोरेट जगत के CEOs और सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।
तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिसके चलते आज मार्केट में थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और फाइनल ट्रेड में आज हमारे साथ राकेश बंसल, कुणाल सरावगी और साथ ही सचिन जी मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले सचिन जी बताइए, पिछले दो दिन में जिस तरह से तेजी आती हुई दिख रही है और कंजम्पशन शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए निफ्टी और निफ्टी बैंक अब अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है? गुड आफ्टरनून देवांशी। इनफैक्ट जिस तरीके से रुझान है और जिस तरीके से मोमेंटम है, सेक्टर रोटेशन तो होते रहेगा, बट जिस तरीके से लेवल्स की बात करें, मुझे लग रहा है 11,780 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए निफ्टी में। तो यहाँ पर यू नो डेफिनेटली काफ़ी बड़े हाई वेव कैंडल्स बने हैं, तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म डेफिनेटली रखना चाहिए। 11,460 के नीचे जब तक निफ्टी स्लिप नहीं होती, आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर ट्रेंड इंटैक्ट रहनी चाहिए, और 11,780-800 के आसपास जैसे ही आ जाता है वहाँ पर एक बार रिव्यू करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि यू नो काफ़ी सारे कंजम्पशन स्टॉक्स है जो यू नो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, तो उसी स्टॉक्स में यू नो ब्रिटानिया जैसा स्टॉक अभी भी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। तो यू नो जब मैं आ रहा था मैंने उसका डेटा देखा, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यू नो यहाँ पर फिलहाल तो BTST के लिए आइडियल कैंडिडेट है और आई थिंक वो हाँ बिल्कुल बजा देना चाहिए अभी। बिल्कुल, तो सचिन जी के लिए सबसे पहला बिल्कुल बताएं सर। सर ब्रिटानिया खरीदना है, इनफैक्ट काफी बड़ा कंजेशन जोन यार हुआ क्या ब्रिटानिया में? सुबह सुबह 20-25% निफ्टी का स्टॉक कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो 25% कैसे ऊपर खुल सकता है एकदम से ब्रिटानिया, ऐसा क्या हो गया? अभी ये दो हफ्ते पहले तो कोई टाइगर बिस्किट खा नहीं रहे थे। एग्जैक्टली, आई थिंक उसी एक्सपेक्टेशन पे काफी लोग ट्रैप हो चुके थे। बट अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर एक यू नो फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन था और जिसका ब्रेकआउट अच्छी तरह हो गया था 2800 के आसपास, तो आई थिंक उसी की एक मूवमेंट है जो पेंडिंग थी और वो आज यू नो इनिशिएट हुई है। तो जिस तरीके से अभी भी रुझान है, मुझे लग रहा है यहाँ से अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए। 3240 का टारगेट होगा और नीचे मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूँगा अराउंड 2960 का। 2960 का स्टॉप लॉस है, 3240 का टारगेट है ब्रिटानिया। आज तो गजब का दिन है भाई इसके लिए। नीचे का लो है 2956, यानी कि यहाँ से है करीबन 125 नीचे, और ऊपर जो हाई दिखा रहा है 3590 का। अब आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पहली टिक पर देखा है कि 24% 25% ब्रिटानिया ऊपर था, हालांकि उसके बाद तुरंत ही नीचे भी आया, लेकिन कुल मिलाकर अब वापस से तेजी होती दिख रही है। अरे तेजी हो रही है, चौतरफा हो रही है, हर जगह हो रही है, और कहाँ हो रही है बताएंगे कुणाल जी और राकेश जी चार्ट कॉर्नर के बिगुल के बाद। बताएं सर। मार्केट का एक ही थीम है, जहां पर भी नीट क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिले वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, और अब एक नीट क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है कैनरा बैंक के अंदर 207-208 से। आपका क्या मतलब है? एक मिनट, नीट क्लीन ब्रेकआउट से क्या गंदा भी होता है क्या ब्रेकआउट? देखिए अनिल जी, नीट क्लीन ब्रेकआउट जो एकदम खुली आंख से दिख रहा हो अनिल जी, बिना चश्मा पहने बिना आंखों पर बिना दिमाग पर जोर डाले हुए, अनिल जी कई बार ज्यादा रिसर्च करता है ना आदमी, ये तो क्लीन चार्ट, जैसे अब आप चार्ट नहीं देखते हैं, आपके सामने भी अगर चार्ट खोला जाए तो आप भी कहेंगे कि एकदम ब्रेकआउट है। वाह, इस पे एक 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 सेंटेंस याद आ गया, बोल दूं क्या मैं आपको, जो आप ज्यादा रिसर्च करने वाले मामले पे? बोलिए। बहुत मतलब बाजार में कभी कभी ऐसा होता है, साल में 2-4 दिन ऐसे आते हैं जहां एक फॉर्मूला लगता है, इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर। तो मतलब पहले पैसा लगा दो बाद में सोचो कहाँ लगाया है। वैसे ये थ्योरी हमेशा के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी यूफोरिया इतना होता है कि जहाँ आप रिसर्च करने बैठ जाएं जो बंसल जी कह रहे हैं तब तक मौके चले जाएं, तो इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर, लेकिन बाद में कर लेना, ऐसा नहीं कि बाद में भी आंख बंद रहे, अभी तो बंद है ठीक है चलेगा। बंसल जी बताइए, तो कैनरा बैंक, हाँ बताइए अनिल जी, कैनरा बैंक में अनिल जी एक नेकलाइन टूटी है और एक ब्रेकआउट है, और ये स्टॉक काफ़ी बड़ी तेजी मतलब कि 218-219 के भाव दिखा सकता है, पीछे एक डाउनसाइड गैप बना था उसको फिल करने को अटेम्प्ट कर सकता है, खरीदारी की राय है यहाँ पर। ओवर टू कुणाल जी। को में भी तेजी फैल रही है, अभी यूनियन बैंक में भी एक मूव आया है, कैनरा बैंक में एक पैटर्न बनाया जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, और बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट पैटर्न यहां पर तैयार होता हुआ डेली चार्ट्स पर नजर आ रहा है। ब्रेकआउट आया है 209 रुपए के ऊपर, इन स्तरों पर बाय करें, ब्रेकआउट लेवल 209 पर आप स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट 215 का, दूसरा 218 का, तो कैनरा बैंक इन स्तरों पर बाय करना है 215-218 के लक्ष्य के लिए। 215
218 दो टारगेट है कैनरा बैंक के लिए, खरीदारी करने के लिए 209 का स्टॉप लॉस लगाकर करनी है तेजी, ठीक है। कैश का एक स्टॉक है, शायद आपको पसंद ना आए लेकिन मैं तो सवाल पूछूंगा कुणाल जी आपसे, कावेरी सीड्स, कल है बोर्ड बैठक और इसमें होगा बायबैक पर विचार, बायबैक से पहले बाय करना है या बायबैक के बाद देखना है? अरे जी खरीदना नहीं चाहिए नहीं? उसकी वजह क्या है कि देखिए परफॉर्म तो इसने पिछले कई सालों से नहीं किया है, और दूसरी समस्या क्या है कि 550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है चार्ट पर, जब तक ये लेवल पार ना हो जाए खरीदने की कोई वजह बनती नहीं है। 550 के ऊपर टिक गया तो फिर जरूर 600-615 तक का एक मूव बनेगा, लेकिन जहां बाजार में स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई लेवल्स छू रहे हैं इस स्टॉक को मुझे लगता है अवॉइड करें बेहतर। कर देते सर, आप बोले तो अवॉइड करते हैं, नहीं खरीदेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खबरों के दम पर कुछ शेयर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ट्रेड करना लेकिन खबर नहीं सुनना। तो कुशल हमारे साथ है बताने के लिए उन शेयरों के बारे में जहां पर खबरें हैं और खबरों के दम पर एक्शन भी। कुशल बताइए जी, सबसे पहले शुरुआत L&T से करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आती, देखिए L&T कंस्ट्रक्शन को तेलंगाना फाइबर ग्रिड कॉरपोरेशन से ऑर्डर मिला है, तो ये पॉजिटिव खबर है L&T के लिए। साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज और इंडिया ग्लाइकोल आज सुबह के सत्र में जो हम तेजी बनते दिख रहे थे, उसका कारण जो है मार्केट खुलने के बाद वो ये आया है कि पेट्रोलियम मंत्री का बयान आया है, रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि बायोफ्यूअल पर टैक्स जो है वो कम करने पर विचार हो रहा है, तो ये इन दोनों एथेनॉल प्रोडक्शन कंपनीज के लिए पॉजिटिव हो सकता है। साथ ही इंडोको रेमेडीज गोवा प्लांट को GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मिलने की उम्मीद है, ये EU यूरोपियन यूनियन जो है वो GMP सर्टिफिकेट जल्द ही दे सकता है। साथ ही इसके जुड़े और एक खबर है कि UK ड्रग रेगुलेटर जो है उन्होंने दो आपत्तियां भी जारी की है गोवा प्लांट के लिए ही। इसके अलावा कैडिला हेल्थ, यहां पे पॉजिटिव खबर आती दिखी है जिसमें USFDA से EIR मिला, यानी कि अंकलेश्वर API प्लांट को क्लीन चिट मिल गई है, तो कैडिला हेल्थ के लिए पॉजिटिव खबर है। साथ ही एलिम्बिक फार्मा, यहां पे नेगेटिव खबर है जिसमें USFDA ने एक आपत्ति जारी की है गुजरात प्लांट के लिए, तो इधर नेगेटिव ट्रिगर दिख सकता है। इसके अलावा टाटा स्टील पर जो है पॉजिटिव खबर आती दिखी है जिसमें ओडिशा में आयरन और पाइपलाइन के लिए का जो प्रस्ताव है वो सौंपा है, तो ये अगर डेवलपमेंट होती है तो टाटा स्टील के लिए अच्छा पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है। अंत में कुछ एक ब्लॉक डील्स है मेरे पास, सबसे पहले पेट्रोनेट LNG जिसमें 600,000 शेयरों के 2 सौदे हुए हैं 272.75 रुपये से 293.05 रुपये के बीच। ITC में 14,00,000 शेयरों की सौदे हुए हैं 250 से 255 रुपये के बीच। साथ ही येस बैंक में 18,00,000 शेयरों के 2 सौदे हुए हैं 54.25 रुपये से 54.75 रुपये के बीच। और साथ ही साथ गेल में 14,00,000 शेयरों का सौदा हुआ है 142.60 रुपये पर। इंडियन होटल 14,00,000 शेयरों का सौदा हुआ है 160.10 रुपये पर। एडलवाइज में 10,00,000 शेयरों का सौदा हुआ है 125.80 रुपये के भाव पर। और अंत में लक्ष्मी विलास बैंक, यहां पर 10,00,000 शेयरों का सौदा हुआ है 40.15 रुपये के भाव पर। तो काफी सारी ब्लॉक डील्स थी, तो ढेर सारी ब्लॉक डील्स है और इस ब्लॉक डील्स के दम पर एक्शन भी भरपूर है आज के सेशन में, इसमें कोई डाउट नहीं। तो पूरा का पूरा एक्शन आपके सामने इस वक्त है। आइए तेजी वाले कुछ शेयरों पर फोकस करते हैं। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी NCC शुक्रवार के दिन भी काफी भागा, 15% से ज्यादा मजबूत था, मेरे ख्याल से वायदा कारोबार का टॉप गेनर था। आज फिर से 13-14% मजबूत है, 72.70 रुपये का हाई भी बनाया है। सचिन जी और कितना? अनिल जी इनफैक्ट यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न का जो टारगेट है वो आई थिंक ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, 72 के आसपास का एक्सपेक्टेशन थी और उसी के आसपास इसका हाई बना है। बट फिलहाल जिस तरीके से डायरेक्शन चेंज हुई है स्टॉक में, मुझे लग रहा है अगर किसी को राइड भी करना है तो आई थिंक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा अराउंड 76.5 के आसपास, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 66.30 का। जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आती आई थिंक तब तक ये स्ट्रेंथ बरकरार रहनी चाहिए। बट पैटर्न टारगेट के हिसाब से 72 के आसपास आया, तो अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी एंड बाकी आपकी पोजीशन आप 76.50 के लिए होल्ड कीजिए 66.30 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल अनिल जी, एक स्टॉक है जो थोड़ा सा फेवरेट है, आपने काफ़ी बार इसकी चर्चा भी की है, ये स्टॉक 6% ऊपर है, अदानी ट्रांसमिशन। अब देखिए दिन के ऊंचाई पर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी कोई राय अदानी ट्रांसमिशन पर? फिलहाल 235 के लेवल्स के करीब है ये स्टॉक। सचिन जी अदानी ट्रांसमिशन
देखिए मोमेंटम तो अभी फिलहाल नजर आ रहा है इनफैक्ट, बट 226 का मैं स्टॉप लॉस दूंगा एंड मुझे लग रहा है एक मेजर हर्डल है स्टॉक में अराउंड 245 के आसपास, तो वो पर्टिकुलर लेवल जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है एक बहुत यू नो लंबे समय का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा, बट डेफिनेटली स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हुआ है जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग में अगस्त के सीरीज में मंथ में जो स्विंग बना था अराउंड 200 के आसपास, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पर एक यू नो ट्रेडिंग बायस रखना चाहिए एंड लॉन्ग पोजिशन ऐड करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया 220 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि ये 240 के ऊपर यू नो ब्रेकआउट दिखा देगा, वो ब्रेकआउट जैसे ही एस्टैब्लिश होगा मुझे लग रहा है अराउंड 275-280 तक के भी टारगेट्स इसी पर्टिकुलर स्विंग में आने चाहिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए स्टॉक में, एक्सपेक्टेशन होगी कि 240 के ऊपर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होने की। ओके, एक और स्टॉक है जिस पर सचिन जी आप राय दीजिए और वो है रिलायंस कैपिटल। इस मजबूती भरे बाजार में भी है बेहद कमजोर, 8-9% टूटा हुआ। आज के हीरो में आज हमने सुबह सलाह दी थी शॉर्ट करने की कि मजबूत बाजार में कमजोर क्वालिटी के शेयरों को ढूंढिए और शॉर्ट कीजिए। 29.50, 28.50 और 27 ये तीन टारगेट थे रिलायंस कैपिटल के लिए। आज का लो है 27.05 का, तो 27.05 का यानी कि तीनों टारगेट अचीव, साइन सील डिलीवर्ड, टारगेट अचीव। पहले ये बता दें कौन से लेवल्स पे दिया था रिलायंस कैपिटल, बिल्कुल देख लीजिए और तब तक आप चार्ट्स भी तैयार कर लीजिए। तो रिलायंस कैपिटल के तीनों टारगेट अचीव हो चुके हैं, या तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए और क्या करना है वो बताएंगे सचिन। पहले आप देख लीजिए कि किन लेवल्स पर रिकमेंड किया था रिलायंस कैपिटल। आज शॉर्ट करने की राय है जो केयर की तरफ से डी यानी कि डिफॉल्ट की रेटिंग आई है वो थोड़ी चिंता वाली बात है। 32 रुपए का स्टॉप लॉस, जितना ऊपर में बेच पाए अच्छा है और नीचे 29.50, 28.50, 27 ये टारगेट्स के लिए आपको बेचना है। रिलायंस कैपिटल जरूर है जो आज वायदा कारोबार का टॉप लूजर है, टारगेट हासिल हो चुका है, दूसरा वाला भी, पहला तो हो ही चुका है दूसरा भी हो चुका है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं चाहे तो, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। अनिल जी, चढ़ते बाजार में शॉर्ट कॉल, सारे टारगेट्स अचीव्ड और वो भी आप ये कह रहे थे कि ये कंपनी बहुत ज्यादा यहाँ पे थोड़ी सी वीक है। नहीं यार, तो खैर लगातार मतलब ये नो ब्रेनर शॉर्ट है, लेकिन हाँ आज सबको मौका मिला होगा मेरे ख्याल से शॉर्ट करने के लिए आज से, तो वो एक अच्छी चीज है कि आपको मौका भी मिल रहा है, नीचे में 27 रुपए के टारगेट भी आए। सचिन जी, सो डेफिनेटली वीकेस्ट स्टॉक है। हाँ, वीकेस्ट एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अगर हम देखें तो उसकी और भी वीकनिंग ही दिखा रही है, वीकनेस ही दिखा रही है, तो आई थिंक यहाँ पर किसी को अगर बेस्ट कैंडिडेट ढूंढना है शॉर्ट्स में तो आई थिंक यही है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है तो उसके टारगेट्स अराउंड 20 तक के ओपन हो गए हैं, तो आई थिंक यहाँ पर क्लियरली यू नो थोड़ा सा भी उछाल मिल जाता है तो वहाँ पर शॉर्ट्स ही बनाने चाहिए। इनफैक्ट 31 एक ऐसा लेवल होगा जिसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो वो ये पर्टिकुलर बायस थोड़ा सा हिल जाएगा, बट आई थिंक 31 के ही स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यू नो शॉर्ट ही रखना चाहिए एंड अराउंड 20 के आसपास जैसे ही आ जाता है वैसे रिव्यू करना चाहिए। तो चलिए, ये है आपके लिए राय रिलायंस कैपिटल पर। लेकिन रिलायंस कैपिटल जैसे एक आध दो कंपनियों को छोड़ दें एनबीएफसी को, लेकिन अदरवाइज इन जनरल आपको एनबीएफसी में दिखेगी दमदार तेजी, इन जनरल आपको बैंकिंग शेयरों में दिखेगी तगड़ी उछाल। क्यों, क्या वजह है कि बैंक्स और एनबीएफसी इतने तेज होते दिख रहे, मजबूत है? पूजा त्रिपाठी हमारे साथ बताने के लिए। पूजा, क्या हो गया इन शेयरों को, एनबीएफसी भी भाग रहे हैं, 2-3 दिन पहले किसी को खरीदना नहीं था, अब सबको एनबीएफसी लेना है, सबको बैंक लेने, क्या हुआ क्या? जी, वजह वही है जिसके बारे में हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स में जो कटौती हुई, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती हुई है, उसमें सभी कॉर्पोरेट इंडिया को फायदा तो होगा ही, बैंक्स को भी काफी ज्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही है, बैंक और एनबीएफसी दोनों को ही। यहाँ पर कुछ 3-4 फायदे हैं। पहला तो ये कि इनका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वहां पर अच्छा सुधार होगा। FY20 के लिए माना जा रहा है कि 11-15% का इजाफा देखने को मिल सकता है। और दूसरे कुछ फायदे ये भी नजर आ रहे हैं कि क्योंकि कॉर्पोरेट्स को काफी ज्यादा फायदा मिला है तो इससे वहां पर भी डिमांड सुधरेगी और पूंजी की उनको जरूरत पड़ सकती है, तो इससे जिन भी बैंक का एक्सपोजर कॉर्पोरेट लेंडिंग में है वहां पर देखेंगे कि एक मांग डिमांड सुधरती हुई नजर आएगी। और एक और फायदा यह होगा कि इनका मुनाफे में जो सुधार होगा इसके चलते उनको अतिरिक्त प्रोविजनिंग करने में भी आसानी मिलेगी, जो कि इस वक्त काफी सारे बैंक इस समस्या से जूझ रहे हैं, कुछ दिक्कत वाले एसेट्स हैं जिसके सामने उसको अतिरिक्त प्रोविजन करनी पड़ती है।
तो ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल मिलेगा बैंक को, उससे भी काफी ज्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही है। हम कुछ रिजल्ट एनालिसिस कर रहे थे जिसमें कि FY20 में अगर जो नतीजे आएंगे उसमें सबसे ज्यादा फायदा कुछ 5-6 कंपनियों को ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर ये कंपनियां ऑलरेडी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और ये जो कदम आया है एक बूस्टर डोज कह सकते हैं इन कंपनियों को मिला है। इसमें नाम है बजाज फाइनेंस का। पहले तो अगर पुराने टैक्स से कैलकुलेट करेंगे और नए टैक्स को कंपेयर करें, नए टैक्स रेट को कंपेयर करें, तो FY20 में जो रिजल्ट आएगा उसमें अन्य जो इनकी आय होगी उसमें 17% की इजाफे की हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा इंडसइंड की जो आय होगी उसमें भी करीब 17% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, ये जो हम अच्छी कंपनियों में जिनको काउंट करते हैं, अच्छे बैंक्स और NBFC में जिनका नाम गिना जाता है, जिनके की मुनाफे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इस कदम से इनको काफी ज्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी सुबह से ही बनी हुई है इन सभी स्टॉक्स में। बिल्कुल, तो ये सारे के सारे से स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज के दिन तेजी लगातार बनती हुई दिख रही है। और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं बजाज फाइनेंस जिससे जो 52 वीक हाई के करीब भी ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और एक्सिस बैंक QIP के बाद लगातार यहाँ पे भी तेजी आई है। शुक्रिया पूजा ये डिटेल्स के लिए। सचिन जी, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस ये दोनों ही फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जो लगातार यहाँ पे चल रहे हैं, और एक्सिस बैंक QIP के बाद यहाँ पे लगातार तेजी दिखा रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सिस बैंक में एक अच्छा पैटर्न है, इनफैक्ट ब्रॉडनिंग पैटर्न जिसे हम बोलते हैं, और जिसके ऊपर के लेवल से अराउंड 705 के आसपास, तो वो स्विंग तो अच्छी तरह यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। आज क्लोजिंग की ही देरी है, इनफैक्ट अगर क्लोजिंग ऐसी ही मिल जाती है तो मुझे लग रहा है ऊपर अराउंड 765 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं स्टॉक में, तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग बायस रखना चाहिए। और स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूँगा अराउंड 695 का, और यहाँ पर पोजिशन बनाने की ही सलाह दूंगा। पोजीशन बनाकर रखें, ये है आपके लिए राय। लेकिन एक और स्टॉक है जिसमें पोजीशन बनी रखनी है या नहीं, कुणाल जी आपको बताना है, और वो शेयर है MSTC, 101 रुपये वाला। वैसे तो सुबह भी आपने नज़र डाली होगी, अभी एक बार फिर से डाल लीजिए MSTC। आज 50, 100 और 200 रुपये वाली कैटेगरी में ये आपको बताया गया था, वहाँ से जो इसने तेज़ दौड़ लगाई है नॉन स्टॉप ऊपर में, तो 146 तक भी पहुँचा, अभी भी 101 के आसपास है। क्या करना चाहिए इस शेयर में कुणाल जी? अनिल जी देखिए, सवेरे मैंने राय दी थी कि 105 रुपये के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो इसको बाय करें, और फिर आप एक स्टॉप लॉस रखें 101 रुपये का, और ऊपर लक्ष्य देखें 115 रुपये का। लेकिन 105 से थोड़ा नीचे आकर के अब 101 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 105 के ऊपर टिक जाता है तो बाय करें 115 के लक्ष्य से। ठीक है, तो फिलहाल ये राय MSTC ये काउंटर के लिए है। तो ये इस सेगमेंट के सारे शेयर बड़े कमाल कर रहे हैं, 50, 100 और 200 वाले जो शेयर बताएंगे, मतलब कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले दो हफ्तों में 40%, 30% बढ़ चुके हैं। NCC उनमें से एक है, NCC देखिए। तो यही है कि इसलिए हमने ये सेगमेंट तब शुरू किया जब बाजार का मूड माहौल बहुत खराब था, कि वो टाइम सही है, नहीं तो जनरली होता है कि अच्छे टाइम के साथ आपको रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती है, खराब टाइम में नहीं आती। मजा तो तब है जब आपको खराब टाइम में रिकमेंडेशन मिले, और मजा उन लोगों को आना भी चाहिए जो खराब टाइम में हिम्मत करके पेशेंस के साथ पैसा लगाए, तो उन लोगों को जिन्होंने लगाया उनको जरूर फायदा होगा। MSTC भी वैसा ही एक स्टॉक जो आज तगड़े उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो NCC और साथ ही MSTC ये दोनों स्टॉक है जो काफी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच आप देखिए, NCC के अलावा क्यूमेंस, सीमेंस, ये भी आज जो पूरा सेक्टर है यहाँ पे काफ़ी लगातार तेज़ी होती हुई दिख रही है। सीमेंस, BL और क्यूमेंस, ये तीनों स्टॉक में आज खरीदारी आती हुई दिख रही है। बंसल जी, कोई स्टॉक अभी भी, क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम बिल्डअप होते हुए दिखे हैं तीनों स्टॉक में, क्या लगता है अभी भी कोई राय है खरीदारी करने की? कोई स्टॉक अभी भी आपको पसंद है इन लेवल से? देखिए, मुझे सबसे अच्छा स्टॉक तो दिव्यांशी सीमेंस लगता है। सीमेंस में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था फ्राइडे को, और आज एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिली, गिरावट पे इसको खरीदने की राय है। कमिंस के अंदर अगर आप देखें तो एक पुलबैक चल रहा है, और पुलबैक में ये एक्सटेंड हो सकता है, बट इस स्पेस से जो जिन तीन स्टॉक्स के आपने नाम लिए, टॉप पिक जो है सीमेंस रहेगा। ओके, तो सीमेंस अभी भी ये बहुत ज़्यादा स्टॉक का मजबूत है, 1440 ये लेवल्स के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मंसल जी, आपने लेवल्स कौन से दिए हैं टारगेट्स? देखिए दिव्यांशी, कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, गिरावट पे खरीदारी की राय है, बट किसी ने अगर बाय करा हुआ तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, ये स्टॉक एक बार 1465 के ऊपर जब निकलेगा, आज के हाईज आप देखें तो 1460 के अराउंड के हाईज हैं, 1465 के ऊपर निकलेगा तब एक अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा, तो जिन्होंने खरीदा हुआ है वो होल्ड करें।
करेक्शन पे बाय करना चाहिए और एक बार 1465 के लेवल टूटेंगे तब यहाँ पर 1530-1540 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1467 का आज का हाई है, बेसिकली वही है बात आप जो कह रहे हैं, परफेक्ट है कि आज का हाई क्रॉस होने के बाद इस स्टॉक में बढ़िया तेजी बनेगी, लेकिन लगता है न सिर्फ सीमेंट्स बल्कि कैपिटल गुड्स वाले सारे शेयर बढ़िया मजबूत। L&T 8% किसको बोलते हैं, और वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी, वॉल्यूम तो आज सभी जगह, ये बात सही है बिल्कुल, वॉल्यूम बहुत ही बेहतरीन है L&T सीमेंट्स। एक और स्टॉक सन टीवी है जो 11% चढ़ा हुआ, ये भी स्टॉक, ये भी सन टीवी शायद इनका भी टैक्स कम होंगे और क्या होगा, और तो क्या हो सकता है, और ओपन इंटरेस्ट भी 11% बढ़ा हुआ है सन टीवी में। सचिन जी, सन टीवी कोई राय है आपकी? अनिल जी, इनफैक्ट यू नो ये मूड के हिसाब से ही चल रहा है, जिस तरीके से मोमेंटम है स्टॉक में पिछले दिनों में कुछ शॉर्ट्स भी ज़रूर हुए एंड लॉन्ग बिल्टअप्स मुझे लग रहा है थोड़े से डिफिकल्ट है गेज करने के लिए, बट जिस तरीके से मोमेंटम है इसका 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अराउंड 540 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव थोड़ी सी एक्सटेंड होनी चाहिए वहाँ तक, बट डेफिनेटली यू नो ये अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में से नहीं है, तो यहाँ पर यू नो थोड़ा सा कॉशियसनेस रखना चाहिए। अराउंड 495 का मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा अगर किसी को लॉन्ग अभी भी बनाने हैं तो, बट डेफिनेटली यू नो 540 के नज़दीक जैसे आ जाता है वहाँ पर एक बार रिव्यू करना चाहिए। 540 के आसपास काफ़ी जगह। ओके, और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? 490 का स्टॉप लॉस, ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस छोटा ही है, 50 रुपये बढ़ा हुआ है आज के, मजबूत तो है, चलिए अच्छी बात है। इस बीच सचिन जी का BTST के लिए एक बिकुल, अरे वाह, सचिन जी बताइए। अनिल जी, इनफैक्ट एडल वाइज में खरीदारी करने की सलाह है, कैश का स्टॉक है, कैश का स्टॉक है, ओके, एंड अभी अगर हम देखें तो ओवरऑल यू नो पिछले दिनों में जिस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्शन था वो कॉन्ट्रैक्शन का ब्रेकआउट आया था अराउंड 118 के आसपास, और फिलहाल वापस एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर यू नो शॉर्ट टर्म एवरेजेस में कन्वर्जन है, तो मुझे लग रहा है 144-145 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए और 118 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 118 का स्टॉप लॉस, 145 का टारगेट होगा। कितने समय के लिए? ये BTST जैसा ही ट्रेड है, एक या दो दिनों में आने बस। यस सर, ऐसा क्या दिखा है चार्ट पे आपको मजबूत? काफ़ी टाइम पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ था अराउंड 145 के आसपास, और उस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन के बाद काफ़ी स्टीप करेक्शन आया था, बट मार्केट में जब करेक्शन हो रहा था यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पर एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन था वीकली चार्ट पे, और उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के बाद यू नो ये कल की मूव जो इनिशिएट हुई है मार्केट में, तो वहाँ पर फॉलो थ्रू एक्शंस इतने अच्छे हुए नहीं है, एंड जिस तरीके से अभी उसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर मोमेंटम बिल्ड होगा एंड वापस एक बार यू नो जो ब्रेकआउट लेवल्स थे उसके आसपास ये पर्टिकुलर स्विंग बनना चाहिए स्टॉक में, तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है 118 का, रिवॉर्ड टू रिस्क में काफ़ी मैच हो रहा है एंड जिस तरीके से यू नो मोमेंटम है काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस में ऑलरेडी वो मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक फॉलो थ्रू एक्शन देखी जा सकती है। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर एक तेजी बन सकती है और इस पर करें आप फोकस एडलवाइज पर, लेकिन ऐसे ही एक स्टॉक और है जो छोटा ही है, 101 रुपये का ही है, जहाँ तेजी बन चुकी है और बन चुकी नहीं बनी हुई है, बनी हुई नहीं शायद आगे बनती भी रहे, और ये है वो स्टॉक जो शुक्रवार का स्टार परफॉर्मर था और आज सोमवार का भी, कोई अंदाजा? टाइटन, आप थोड़ा नीचे तो आओ, आप निफ्टी से नीचे नहीं आते हो एक्चुअली, छोटा सा स्टॉक। अच्छा, ऐसा है क्या कोई जो टेक्निकल एक्सपर्ट सिर्फ निफ्टी के स्टॉक की बात करे वो बहुत बड़ा होता है, ऐसा जो मिड कैप स्मॉल कैप की बात करे वो छोटा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है ना, रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, रिटर्न्स इंपॉर्टेंट, हाँ फिर ठीक है, तो रिटर्न्स तो ज्यादा, जितना छोटा स्टॉक परसेंटेज में रिटर्न उसमें ज्यादा, डेफिनेटली, बट सेटअप भी होना चाहिए वैसा, सेटअप होना चाहिए जैसे एडलवाइज में सेटअप है उस तरह के सेटअप होने चाहिए, लेकिन हाँ जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो FNO का ही है, छोटा भी है लेकिन छलांग बड़ी है, NCC, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र करते थे, तो NCC में क्यों है तेजी और वो भी लगातार दूसरे दिन, मतलब भागे जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये स्टॉक हम आपको बताएंगे क्यों तेजी है उसकी वजह, लेकिन उससे पहले BTST का एक भूगोल कुणाल जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, देखिए एक रिन्यूड मोमेंटम देखने को मिल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में, हालांकि देखिए स्टॉक में शुक्रवार को भी बड़ी भारी तेजी हमने देखी थी, आज भी आप देखिए तो निचले स्तरों से बहुत ही शानदार रिकवरी हुई है, 1600 के ऊपर अब ये बहुत ही क्लियरली ट्रेड करने लगा है, तो ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और ये नए कीर्तिमान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन स्तरों पर अगर आपको एक बैंकिंग स्टॉक लेना है तो सारे निजी बैंकों में सबसे मजबूत चार्ट कोटक का है,
इन स्तरों पर कोटक को बाय करने की राय है। 1620 रुपए पर 1% नीचे आप एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1655 रुपए का और दूसरा टारगेट 1675 रुपए का होगा। तो जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, ब्रेकआउट है, ये स्टॉक अगर बाजार में तेजी कायम रही तो यहां पर आपको 1675 के भाव आते दिखेंगे। तो फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक, ये है इनकी बीटीएसटी राय और आपको करनी है खरीदारी। कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज्यादा मजबूत स्टॉक है ओवरऑल बैंकिंग शेयर्स में से। 1655 1675 ये टारगेट्स आते हुए दिखेंगे और 1620 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अब एनसीसी, बिल्कुल हाँ, एनसीसी में तेजी की वजह, दो दिनों में 35% भागा है। कुशल के पास पूरी वजह है। कुशल सही भागा है ना? जी बिल्कुल, कुछ गलत तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं हुआ। 18% भागा फ्राइडे को और अभी भी, इनफैक्ट आज तो 15-16% का हाई लगा है, तो टोटल कुल आप देखेंगे तो 34-35% की तेजी हुई है। क्या बात है। तो वजह, इसकी पांच बड़ी वजह है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो ये है कि तीसरी तिमाही से आंध्र प्रदेश में जो स्टॉल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है वो दोबारा शुरू हो सकता है। तो जून में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो नई आंध्र प्रदेश सरकार आई थी, उन्होंने करीब 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को पर रोक लगा दी थी एनसीसी के। तो अब जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं, वो दोबारा शुरू हो सकते हैं। ये पहला ट्रिगर है और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की कुल वैल्यू करीब 4,000 करोड़ रुपये की है। दूसरी बड़ी वजह, जो कॉरपोरेट रेट टैक्स कट हुआ है उससे इन लोग को करीब 9-9.5% का फायदा आपको मिल सकता है। करीब 34% का इफेक्टिव टैक्स रेट एनसीसी का अभी है और 25.17% अगर आप देखेंगे तो करीब कुल 9% का फायदा यहां होता नजर आ रहा है एनसीसी को। साथ ही बड़े ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और थोड़े दिन पहले टोल सिक्योरिटाइजेशन की भी बात की थी नितिन गडकरी जी ने, तो वो एस्पेक्ट भी कंपनी के हित में, कंपनी की पॉजिटिविटी में जुड़ रहा है। तो ये एक तीसरा बड़ा फैक्टर है। चौथा बड़ा फैक्टर है आपका FY20 की जो वैल्यूएशन है, जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स की वैल्यूएशन है, वो करीब 9 के पी पर है। तो ये वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी अट्रैक्टिव है। और अंत में मैक्वेरी की 10 सितंबर की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग दी है उन्होंने और 108 रुपए का लक्ष्य रखा है। तो ये पांच बड़ी वजह है जिस वजह से एनसीसी आज, इनफैक्ट और शुक्रवार को भी दोनों दिन 108 का टारगेट आया था उनका। जी बिल्कुल, डबल लगभग। हाँ तो डेफिनेटली सर, वो एक और वजह छठी बताइए आप। ये तो आपको बतानी सर, मैं पांच वजह निकाल पाया। 50, 100, 200 वो संदीप बताएंगे कि उसमें इस सीरीज में कौन कब रिकमेंड किया गया था और वहां से देखिए मतलब 50% के रिटर्न आ गए जहां से रिकमेंड किया गया था। तो 50, 100, 200 वाली लिस्ट ऐसे ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने टाइमिंग जो रखी वो बहुत परफेक्ट थी, क्योंकि हमें आइडिया था कि इस समय ना आप लोगों को ऐसे बोलो चलते फिरते कि ये ले लो, कोई नहीं लेगा। स्टॉक को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करो कि स्टॉक क्यों अच्छा है, किस वजह से अच्छा है, ताकि आपका एक आपके पास पहले से पड़ा है तो कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने गलत नहीं ले रखा, ताकि कम से कम लोग बेचे तो ना। दूसरा, जो हिम्मत करके खरीद सकते वो खरीदे। तीसरा, कुणाल जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं तो कुणाल जी हमेशा बता देते हैं कि नीचे में कहाँ खरीदना है या किस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हो तो खरीदना है। तो ये 50, 100 और 200 की लिस्ट में स्टॉक था एनसीसी, जो आपको सही वक्त पर एंट्री करने का मौका ज़रूर मिला होगा। एंट्री करने का मौका ट्रेडिंग करने के लिहाज से अब भी है, अगर आपने मिस कर दिया है कोटक बैंक तो। क्यों? क्योंकि एक और कॉल है, लेकिन इस बार कुणाल जी के साथ राकेश जी भी है, इसलिए बिगुल अलग बजेगा, बीटीएसटी का नहीं, चार्ट कॉर्नर का। सब बताएं। देखिए दिव्यांशी, एक और निजी बैंक हमने चुना है। अभी हमने कोटक बैंक पर खरीदारी की राय दी और अब ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक के लिए 440 एक बहुत पुराना रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको के जून जुलाई के मंथ में स्टॉक ने छुआ था और वहां से फिर एक बड़ा करेक्शन आईसीआईसीआई बैंक में आता हुआ दिखा था। ये जो लेवल है 440 का, इसको आज के ट्रेड में ये स्टॉक डिसाइसिवली पार कर रहा है, तो मौजूदा स्तरों पर आईसीआईसीआई बैंक को खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। देखिए दिव्यांशी, काफ़ी बढ़िया टेक्निकल रुझान है, अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक आया है और जिन स्तरों पर चल रहा है, अगर इन स्तरों पर ये क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो 15-16 रुपए का अपमूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, 440 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 460 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक को खरीदने की राय है। ठीक है, ओके। तो आईसीआईसीआई बैंक 445-44 पे चल रहा है, इसको खरीद लीजिए कोटक के बाद ही। मतलब बैंक निफ्टी रुकने वाला नहीं है, इसका मतलब ये हो गया इनको कोटक आईसीआईसीआई सब कुछ पसंद है, तो फिर रुकेगा कैसे? स्टॉप लॉस टारगेट एक बार आपके सामने ले आए फटाफट से,
ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा खरीदारी करने का मौका आपके लिए यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, आइए हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, एनोक वेंचर्स के विजय चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब स्वागत है आपका। देखो आमतौर पर मैं हिंदी भाषा बहुत पसंद करता हूँ, नमस्कार प्रणाम स्वागत है ये सब बोलने में, लेकिन आज मैं आपका स्वागत इंग्लिश में करूँगा, गुड आफ्टरनून सर। ये आफ्टरनून के आगे गुड ठीक लगा है ना, क्योंकि पिछले हफ्ते लगा नहीं पा रहा था मैं। बिल्कुल सटीक लगाया अनिल जी आपने, आप जनरली चीज़ें सटीक ही करते हैं। और डिम्पी जी ने एक बार कहा था कि शायद आप जब डेस्परेशन से कहते हैं तो निर्मला जी सुन लेती हैं। तो थर्सडे को आपने मुझे बुलाया था अपने चैनल पर, और फ्राइडे को जो हुआ वो हिस्टोरिक था, और नाउ इट इज़ हिस्ट्री। सो बहुत ही शानदार मूव मार्केट का, और मुझे बहुत खुशी है कि सरकार एक्शन मोड में आई, और अब जिस तरीके का मुझे लगता है बाज़ार का हृदय परिवर्तन हुआ है, और जिस तरीके से जो आशा डेवलप हुई है सरकार के प्रति कि अब ये एक्शन मोड में आए हैं, मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी चलनी चाहिए। और ये रिफॉर्म्स जो सरकार कर रही है, इस ये पटरी से गाड़ी उतरनी नहीं चाहिए, और मेरा अंदेशा है और अंदाज़ा है कि मार्केट्स यहाँ से न्यू हाइज की तरफ भी जा सकते हैं। अनिल जी थोड़ा सा मूड ठीक होता हुआ दिख रहा है विजय जी का, क्योंकि मुझे याद है कि थोड़ा नहीं बहुत अच्छा है अभी। मुझे इसलिए याद है क्योंकि इन्होंने कहा कि आपकी फोटो देखी थी उदयपुर की, झील पे जाके चले जाना चाहिए, और वहीं पे ना आपने ये कहा था कि नहीं नहीं आप रुक जाइए, मैं कुछ मांग रहा हूँ एफएमसीजी, लास्ट विनती कर देता हूँ। लेकिन फिर भी चोपड़ा साहब ने जो चोपड़ा साहब ने कहा वो अच्छा कहा, मुझे उदयपुर की झील पे वहीं पे भेजा, हिमालय पे नहीं भेजा, नहीं तो मैं इतना जल्दी वापस आ भी नहीं पाता है और बीच में तेजी हो जाती है। उनको भी जाना था, लेकिन उसी वक्त आपने ये कहा कि नहीं नहीं आप एफएम से एक विनती कर रहे हैं, हम आपको क्या कह रहे थे, हमने आपको कब बताया था, एक बार आप वो देखिए। सिर्फ हमने कहा इकोनॉमी को चाहिए टैक्स कट। निर्मला जी कुछ बांट नहीं रही है, बांटिए, हमें चाहिए टैक्स कट, सबसे बड़ी चीज वो कहाँ है। जी बिजनेस की सुनती हैं वित्त मंत्री। इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, अगर कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़िया कटौती करते हैं तो अब तक उन्होंने जितना किया ना उसमें से सबसे बेस्ट ही होगा। स्टिमुलस क्या है, टैक्स काटिए। जहां भी अगर आज वित्त मंत्री ये कहते कि मैं टैक्स काट रही हूं, तो फिर ये पिछले दो शुक्रवार की तरह से इस शुक्रवार को मत गिनिएगा, ये शुक्रवार फिर आपके लिए सोमवार को कुछ अलग करेगा। जी बिजनेस की मांग पर लगी मोहर। वी टुडे प्रपोज टू स्लैश द कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। आज बड़े टैक्स कट का ऐलान किया है वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में जोश भरने के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स घटा, वित्त मंत्री ने मानी जी बिजनेस की बात। तो ये है आपके लिए वित्त मंत्री जी की मेहरबानी कि उन्होंने सुन लिया। कुणाल जी आप कुछ कह रहे थे इस बीच। हाँ सॉरी, मैं अनिल जी कह रहा था आप इंग्लिश में मत पूछिए, आप टेक्सन इंग्लिश में पूछिए अनिल जी कि हाउडी चोपड़ा। हाउडी चोपड़ा मिस्टर चोपड़ा नहीं, मिस्टर भी नहीं लगा सकते, हाउडी चोपड़ा। आई एम फाइन अनिल जी, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी दैट वे, एंड आई बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, जब आपका पिछले हफ्ते बहुत मूड खराब था गुरुवार को बुधवार को, तब आपने क्या कुछ खरीदा था कि नहीं खरीदा था, नहीं तो फिर आज ज्यादा खुश होने का मौका नहीं है आपके पास। नहीं, आपको याद हो अगर मैंने हिंडालको की बाय कॉल दी थी उस समय पे, जो करीब करीब 93-94 पे चल रहा था, और उसके बाद 207 का लेवल आज भी देखा हमने हिंडालको में। तो कुछ बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं करी अनिल जी, और फ्राइडे को जब निर्मला जी आई, उनके आते आते ही बाज़ार इतना तेज़ हो गया कि बहुत ज़्यादा बाइंग कोई भी नहीं कर पाया, मुझे लगता है मैं ही नहीं, काफ़ी लोगों ने बस छोड़ दी। मगर हाँ, जो पुरानी होल्डिंग्स पड़ी थी उनका डेफिनेटली भाव ऊपर आए हैं, जो मैं बहुत ज़माने से कहता आया हूँ कि टॉप रैंक स्टॉक्स में रहिए, ए कैटेगरी स्टॉक्स में रहिए, और जिस तरह की तेज़ी हमने देखी 10% 15% की तेज़ी भी देखी स्टॉक्स में, तो जो कैश होल्डिंग्स हैं वो निश्चित रूप से ऊपर आई। फ्यूचर्स में हमारे पास मेटल्स थे, तो हिंडालको यहाँ पे उन्होंने खरीदारी की थी, और फिलहाल 200 के लेवल्स के करीब ये स्टॉक भी आज के दिन ट्रेड करता है। लेकिन एक और सेक्टर जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं बनी है, इनफैक्ट गिरावट आती हुई दिखी है, ये सेक्टर है आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर में क्यों तेज़ी नहीं बनी है, क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स इस तेज़ी में, क्या वजह है इस गिरावट की, ये बताने के लिए हमारे साथ कुशल गुप्ता फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। कुशल, आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी नहीं आती हुई दिख रही है, और जिस तरह से रैली आई है बाज़ार में
आईटी स्टॉक्स में और ज्यादा गिरावट आई है, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल देवांशी, तो इसकी तीन बड़ी वजह है। सबसे पहले ये वजह है कि कॉरपोरेट टैक्स कट जो हुआ है उसका फायदा जो है वो आईटी सेक्टर को नहीं मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी जितनी भी हैं आईटी में मेजरली जो बड़ी लार्ज कैप फर्म्स हैं वहाँ पे तो टैक्स रेट जो मौजूदा है वो 25% से भी कम है। तो इन लोग को जो टैक्स बेनिफिट या टैक्स सेविंग्स आप कह सकते हैं जो मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। इनफैक्ट सेस क्लॉज के तहत कंपनीज जो हैं, काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी टैक्स हॉलीडेज इंजॉय कर रही हैं। इसके अलावा रुपए में जो पिछले 5 दिनों में मजबूती हुई है, करीब 1 रुपए की मजबूती आप रुपए के भाव में देखने को आपको मिलेगी, और इसी वजह से आईटी कंपनीज जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही है। इनफैक्ट फ्राइडे को भी कुछ खास मूवमेंट इधर देखने को नहीं मिला था। तो यही 2-3 बड़ी वजह है जिस वजह से आज भी आईटी सेक्टर जो है पिटा हुआ है। ओके, तो आईटी शेयरों के लिए कुछ खास है नहीं, और वैसे भी किसको चाहिए ऐसे सुस्त आईटी वाईटी, ये तो जब खराब बाजार हो तब काम किया, अभी कौन लेगा? चोपड़ा साहब, अभी आप लोगे गिरे हुए शेयर आईटी वाले? देखिए सेलेक्टिवली अगर आप बात करें, रिजल्ट सीजन सिर पर है, क्वालिटी सेलेक्टिवली आपके पास पैसे बहुत ज्यादा थोड़ी है, थोड़े से ही पैसे है, उनमें से क्या क्या लोगे फिर? मैं आपको वही बोल रहा मैं ये कहना चाहता हूँ अनिल जी कि जो टॉप स्टॉक्स हैं जैसे TCS है, रिजल्ट सीजन आने वाला है, उसकी तैयारी की जा सकती है। तो 2000 के नीचे यदि आपको मिलता है, 1970, 1980, मे बी 1950 के आसपास मिलता है, बहुत अच्छा बाय है TCS। मगर यहाँ नहीं, थोड़ा सा और नीचे यदि आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाकी आपकी बात मैं बिल्कुल 100% मानता हूँ कि जब अपॉर्चुनिटीज़ देर आर अपॉर्चुनिटीज़ गलोर इन द मार्केट, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं इस समय पर अच्छे लेवल्स पे, तो उनको बाय करके चलना चाहिए। और टेक्नोलॉजी की यदि आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा तो मैं कहूँगा कि यहाँ से यदि थोड़ा सा और नीचे मिलता है तो लेना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तब आईटी स्टॉक्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं लंबे समय के लिए। लेकिन इस बीच राकेश जी, एक स्टॉक कैश मार्केट का एवेन्यू सुपरमार्ट्स, आज इस स्टॉक में बड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आई है और सारे कंज्यूमर स्टॉक्स के साथ ये स्टॉक में भी आज अच्छी खरीदारी है। क्या लगता है अब 1917-1920 के लेवल्स के आसपास है, कितनी ज़्यादा बाइंग आ सकती है, चार्ज कितने ज़्यादा पॉजिटिव है? देखिए दिव्यांशी, स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन में एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया था, 1690 के ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी में गया था, उस दिन भी अच्छी खासा अपमूव देखने को मिला, और आज भी लगभग देखें तो स्टॉक 9-1% के करीब ऊपर है। किसी ने खरीदा हुआ है, जैसे मेरे मित्र कुणाल जी शायद इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, तो होल्ड की राय है। और मार्केट में कोई करेक्शन आती है और करेक्शन में स्टॉक 1725-1700 तक के अगर करेक्शन कभी दिखाता है इंट्राडे के अंदर, कभी शॉर्ट टर्म करेक्शन आती है, तो उन स्तरों पे लंबी अवधि का नजरिया बना के खरीदना चाहिए। कुणाल जी के लिए होल्ड की राय, कुणाल जी के लिए टारगेट भी बता दो, कुणाल जी को बेचना कब है? अरे अनिल जी, कुणाल जी तो कभी जो चीज ले लेते हैं ये बेचते ही नहीं है, तो इनको तो अनिल जी टारगेट देना नहीं चाहिए। अनिल जी देखिए, जिस तरीके से ये स्टॉक है यहाँ पर टारगेट नहीं रखने चाहिए, यहाँ पर कंपाउंडिंग देखनी चाहिए, 17-20% की कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर, होल्ड की राय है, लंबी अवधि का 2-3 साल का नजरिया बना के होल्ड करना चाहिए। कुणाल जी, कोई बेचने का इरादा आपका नहीं है? जो मार्केट कैप, यानी देखिए 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप हो गया एवेन्यू सुपरमार्ट का, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिनके पास है बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रहे, मुझे लगता है 2200 पार करेगा। 2200, क्या बात है, थोड़े टाइम पहले भी वो बीच में एक आध रिजल्ट खराब आया था, 1100-1200 आ गया था। राधा किशन दमान जी, भरोसा रखो भाई, मतलब अगर कभी भी आपका डीमार्ट से, मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर से थोड़ा सा भी भरोसा हिले तो फिर जाकर एक बार डीमार्ट का चक्कर लगाओ, किसी भी उनके स्टोर पर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा वापस। एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ कभी भी आप जाओ लाइन लगती है और पैसे भी बचते हैं। वहाँ पर खरीदारी सस्ती है, क्वालिटी अच्छी है, हमेशा लाइन लगती है। आप काउंट कैश काउंटर पर नहीं तो वो बाकी लोग यहाँ मक्खियाँ उड़ती रहती हैं, इनके यहाँ पे आप कम से कम तीन चार लोग तो मतलब ओड टाइम पे भी जाएंगे तब भी मिलेंगे, अगर पीक टाइम पे चले जाए तो 15-15 लोगों की लाइन लगती है, उससे समझ में आ जाता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। बिल्कुल, तो 2200 तक के लक्ष्य हमें एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट पे आते हुए दिखेंगे। और बिल्कुल बजा दीजिए बिल्कुल अनिल जी की स्ट्रैटेजी के लिए।
सबसे पहले ग्लोबल बाजार का हाल देख लेते हैं। एशियन बाजार आज थोड़े से मिले जुले संकेत यहाँ पे जरूर मिलते हुए दिखे थे। एचएक्स निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव थे और अगर यूएस मार्केट्स की बात करें डाउ हल्का सा नेगेटिव है 50 पॉइंट और नास्टेक भी हल्का सा नेगेटिव जरूर बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, करीब 50 पॉइंट नीचे है। साथ ही यूरोपियन बाजार यहाँ पे आप देखिए लाल निशान में कारोबार होते हुए दिखे थे, गिरावट के साथ बाजार बंद होते हुए दिखे थे और आज फुटसी कैक और डैक्स तीनों ही लाल निशान में फिलहाल ट्रेड करते हुए यूरोपियन बाजार। एशिया एशियन बाजार यहाँ पे भी लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्रूड और रुपया हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो अभी भी हरे निशान में है और आधे परसेंट मजबूत ब्रेंट क्रूड $64.60 के करीब और नामेक्स क्रूड $59 के करीब कारोबार होता हुआ और रुपए की अगर बात करें तो 71 के करीब 70.90 इसके लिए सब ठीक है। ठीक है और मैं आपको हालांकि आप संकेत देखोगे तो फिर आपका तेजी के साथ कोरिलेशन नहीं बन पाएगा, आपको ग्लोबल खराब दिखेंगे। अभी देखो अभी हम देख नहीं रहे ग्लोबल को और सही वक्त पर नहीं देख रहे, हम हमारे संकेतों से ही काम चला रहे हैं तो अभी भी हमें अपने संकेतों पर ही काम चला रहे हैं। ना हम करेंसी देख रहे हैं, ना यूरोप देख रहे हैं, अमेरिका एशिया कुछ नहीं देख रहे हैं, तो मोमेंटम हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग है। और ये मोमेंटम अब एक एक चीज़ मैं आज कहना चाहता हूँ देवांशी, आपको डेटा के हिसाब से शुक्रवार की तेजी के बाद शुक्रवार की तेजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की तेजी। वो क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, वो क्यों? शुक्रवार को तो निर्मला जी ने करवा दी तेजी, वित्त मंत्री जी ने अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट किया, जो लोग कहीं चाय नाश्ते में गए हुए थे इधर उधर या जो लोग 9-12 पिक्चर में गए हुए थे कि आजकल तो मार्केट में कुछ आता नहीं, या जो लोग ये सोच करके वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले शॉर्ट करो और उसके बाद आराम से शॉर्ट काटो, ऐसे लोगों की भी तादाद कम थोड़ी है हिंदुस्तान में, ये सब लोगों ने मिलकर फिर जो है ना 2223 पॉइंट की तेजी जो आपके करवाई बैंक निफ्टी में और 570 पॉइंट की तेजी जो निफ्टी में करवाई, ये तो उन्होंने करवा दी। ठीक है, जिनकी शॉर्ट करनी थी कट गई, 3,000 करोड़ की बाइंग करनी थी घरेलू फंड ने वो कर दी, वो तो सब हो गया फ्राइडे को, और सैटरडे संडे सबको होश भी आ गया कि उन्होंने जो किया वो खाली टैक्स कट था, कंजम्पशन थोड़ी बढ़ेगा, इकोनॉमी आज से थोड़ी चालू हो जाएगी, ये सब भी लोगों ने सोच लिया। फिर सोमवार को इतनी तेजी क्यों? फिर आज की तेजी की क्या वजह है? 350 आज निफ्टी ऊपर है, 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, 1200 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि बाजार का टोन टेक्सचर बाजार का टेम्परामेंट बदल चुका है। आज की तेजी ने बाजार के बदले हुए ट्रेंड पर बड़ी मोहर लगाई है। कॉन्फिडेंस बाइंग कहते हैं इसको। एग्जैक्टली, फॉलो अप बाइंग हमेशा बाइंग से इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप है ना एक दौड़ लगाकर रुक जाए तो बड़ी बात नहीं है, एक बार नहीं बार बार दौड़ लगाएं तो आपका स्टेमिना दिखता है, ये बाजार का स्टेमिना दिखा रहा है, इसलिए मेरे लिए आज की तेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज की तेजी से आगे क्या? आगे है गुरुवार, एक्सपायरी का दिन। मुझे जो लगता है वो ये कि अब से लेकर गुरुवार तक फिर बाजार रुकने वाला नहीं है, हर लेवल पर आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। थोड़ा 75-100 पॉइंट बैंक निफ्टी 100 पॉइंट निफ्टी नीचे आया, तुरंत आपको शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, हाँ गुरुवार के आसपास जाकर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा दें, बहुत ओवरबोट हो जाए थोड़ा वो हो जाए एक अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन ये साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि जो FNO के डेटा है सामने आपके मंथली एक्सपायरी, अच्छा ये वीकली एक्सपायरी नहीं है, ये मंथली वाली बड़ी एक्सपायरी है, तो इसलिए एक्सपायरी तक के लिए आपका रास्ता एकदम साफ है। शुक्रवार, आज सोमवार और डेटा, ये तीन चीज़ों का मिश्रण मुझे ये बता रहा है कि तेजी में रहिए, बात खत्म, बस इतना। तो ये तीन दिन पुट कॉल रेशियो भी आप बहुत ज्यादा, मैं तो सब देखूंगा, देखना मैं कभी कुछ बंद नहीं करता, डेटा देखना मैं बंद नहीं करता। इम्पोर्टेंस तो डेटा के हिसाब से बनेगी, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंस है वो बता दूं। पहली चीज, क्लोजिंग के लिहाज से आपको 11500 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी, ये मान के चलिए 11475-11500 अब आपका सपोर्ट हो गया तगड़ा वाला, क्योंकि 11500 को पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज सुबह जब हम शो शुरुआत कर रहे थे तो कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11500 पर आ गया और 11000 से लेकर 11500 के रेंज में जो 6 स्ट्राइक प्राइस है कॉल्स की, वहां पर 1.25 करोड़ शेयर शॉर्ट थे, तो आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको मिल गई। तो अब पहली चीज़ तो ये कि 11500 आपसे टूटेगा नहीं, पॉइंट नंबर वन। 11600 के ऊपर टिके तो और शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि 11600 के कॉल्स पर 31 लाख शेयर है, उसमें से 13 आज ही जुड़े, अभी भी लोग शॉर्ट कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। अरे शॉर्ट करना है तो चलिए एक चीज है, अभी 11600 चल रहा है तो 11700 11800 बेचो ना,
आज 11700 जाकर आया है, 11694 मतलब 11700। अब 11600 का कॉल क्यों बेचते हो निफ्टी में? क्या आपको क्या 200 पॉइंट का करेक्शन मिलेगा क्या, 300 पॉइंट का मिलेगा क्या? नहीं। तो इसलिए जो नीचे के लेवल पर कॉल्स बेच रहे हैं उनको तकलीफ है, अब उनसे कटेगा। और इसलिए अगर आज 11650 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग हो जाए तो बड़ी बात नहीं, मुझे लगता है डे हाई की तरफ ही बाजार बंद होना चाहिए, यहां से भी मजबूती रहेगी बचे हुए समय के लिए। तो सिंपल है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता है, स्टॉप लॉस आज के लो का लगाकर तेजी में बने रहिए, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। यह है निफ्टी आपके लिए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी सेम 30,500 के पुट और कॉल पर, 30,500 के कॉल पर 4 लाख शेयर है और 30,000 पे 5 लाख शेयर है। भाई साहब ये काट क्यों नहीं रहे हैं? जिन लोगों ने 30,000 का कॉल बेचा हुआ है बैंक निफ्टी में, कब काटेंगे? एक्सपायरी का वेट कर रहे हो? हाँ कर लो, 1000 पॉइंट और 31,000 मिलेगा, फिर करो जितना करना करो। अरे आज मिला था 30,000 पे, 29,776 नीचे में, तब क्या कर रहे थे? 5 लाख शेयर खड़े हैं अभी भी, थोड़े बहुत और नीचे के भी होंगे 29,500 वगैरह के, जो मैंने देखे नहीं। शॉर्ट कवरिंग ही नहीं गिरने देगी, मजा तो ये है। हाँ कोई खबर से गिर जाए वो तो देखो किसी के हाथ में नहीं खबर, ना तो यमन वाली किसी को पता थी अरब की, और ना ही निर्मला जी की किसी को पता थी। अच्छा निर्मला जी वाली खबर का तो अंदाजा फिर भी था, तो कोई सऊदी अरब को पे बम गिर जाएगा ये तो किसी को नहीं पता, निर्मला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ये तो फिर भी पता था, फिर भी आपने कौन सा क्या फायदा उठा लिया? कहते ना हमको खबर नहीं पता, अरे ये तो हिंट तो था ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल देखो कभी कुछ देगी नहीं, लेना ही नहीं है शॉर्ट करना है तो बस ठीक है। अब सिंपल चीज है, 30,500 के ऊपर आज बंद होता है तो और आगे आपके लिए तेजी का रास्ता बन रहा है। आपको जब तक 30,000 के ऊपर है निफ्टी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लाइफ टाइम है 31,000 के पार जाने की तैयारी में, होल्ड करिए, नीचे आए और खरीदिए, ठीक है। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर एक सपोर्ट है और वहां से और ज्यादा तेजी आती हुई दिखेगी, और अगले 3 दिन यहाँ पे अगर शॉर्ट्स कवर होते हैं तो और ज्यादा तेजी ही निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की तरफ से आती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल डेटा काफी साफ है और यहाँ पे बढ़त ही देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्टॉक्स की ओर नजर करते हैं। आज कैपिटल गुड्स के अलावा कंजम्पशन स्टॉक्स मजबूत है, लेकिन एक बाटा ये स्टॉक भी आप देखिए। एक मिनट सर, एक कोई खबर आ रही है पीएससी कंपनियां दूसरे पीएससी को हिस्सा नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं खुद, आई मीन पीएमओ प्रधानमंत्री जी का ऑफिस। हाँ ये तो बढ़िया बढ़िया, मर्जर कर लो, एक दूसरे को हिस्सा मत बेचो। मतलब ये कि जैसा ये हुआ था ना HPCL वाला, कि HPCL का हिस्सा बिक गया और ONGC ने ले लिया, वो मत करिए, ये तो दो को मर्ज कर दीजिए, ये ज्यादा बढ़िया है, बजाय हिस्सा बेचकर पैसा आया पैसा सरकार को दे दिया। क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा रिएक्ट पॉजिटिवली रिएक्शन दे रहे हैं हमने, जैसे ONGC अच्छी चीज है। हालांकि मैं इसमें ये जरूर कहूंगा कि इसमें कोई खराबी नहीं है, क्रॉस होल्डिंग रहती है और सारा अपनी जगह है, बट कुल मिलाकर ये अच्छी चीज है कि हिस्सा बेचने में वो मजा नहीं है, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं इसमें कुछ नहीं है, इसमें ना सरकार को समझ में आ गया, सारे जितने सेक्रेटरी उनको समझ में आ गया कि सरकार ने किया क्या है। क्योंकि क्या है, जो रिएक्शन मार्केट देता है ना, मार्केट का रिएक्शन सबको समझ में आता है, मैं कुछ बोलूं सचिन जी कुछ बोले वो लोगों को समझ में नहीं आएगा, अरे ये इनके ओपिनियन में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तेजी बोलूं बोलते होंगे अनिल जी रोज बोलते हैं, लेकिन मार्केट अगर आपको बता रहा है 1500 पॉइंट की तेजी है तो अनिल जी कुछ भी बोले यार मार्केट ही तेज है ना। सेम सिचुएशन सरकार में भी है, इनको अब तक OFS करना था, दो पाँच तीन परसेंट टुकड़ों में बेचेंगे, 10-15% डिस्काउंट में बेचेंगे, जो भाव डिस्काउंट का लाते हैं वहीं पर आ जाता है, उसके ऊपर और 5% डिस्काउंट दो, फिर दूसरा तरीका निकाला, नहीं 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 ऐसे नहीं करेंगे, एक काम करते हैं इस सरकारी कंपनी की स्टेक दूसरी सरकारी कंपनी को दे देते हैं, PFC की स्टेक REC को दे देते हैं, REC की जो भी है, या ONGC HPCL कर देते हैं, इधर से घुमाएंगे इसका जो पैसा आएगा, ये ONGC HPCL का जो ये पैसा आएगा ये हम ले लेंगे। अरे यार ये सब है ना कैलकुलेशन वाला, ये क्या है, ये एक्सेल शीट पे बनाने वाला काम है, मर्ज कर दो, ये सही दिशा में सोचें, बड़ी कंपनी बना दो अपने आप। मुझे याद है आपने कुछ समय पहले कुछ तो कंपनी की बात चल रही थी, तब आपने कहा था कि इससे क्रॉस होल्डिंग से क्या होता है कि साफ नहीं रहता है मेंबर, जो जिस तरह से हम लोग हिस्सेदारी खरीदते हैं फिर वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि इसमें इतना स्टेक है इसमें इतना स्टेक है, तो एक क्लियर कट व्यू नहीं मिल पाता है आपने। और दूसरी चीज क्या है, एक अपस्ट्रीम कंपनी एक डाउनस्ट्रीम कंपनी है, ठीक है, आपने दो इसकी स्टेक इसमें दे दी उसकी इसमें दे दी, अगर सपोज मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो मुझे तेल निकालने वाली कंपनी चाहिए तो आप मुझे साथ में तेल चिपकाने वाला बिजनेस क्यों दे रहे हो, तेल बेचने वाला बिजनेस क्यों चिपका रहे हो, मुझे ऑयल मार्केटिंग कंपनी खरीदनी तो मैं IOC खरीदूंगा,
लेकिन मुझे साथ में रिफाइनिंग बिजनेस भी लेना पड़ता है जिसमें मैं शायद ना बुलिश हूँ या ऑयल मार्केटिंग पे बुलिश नहीं हूँ। तो पॉइंट सिंपल है, या तो सिमिलर बिजनेसेस हैं तो उनको मर्ज कर दो, और सिमिलर बिजनेसेस नहीं है तो ये सब उल्टा सुल्टा मत करो। तो ये बहुत सही दिशा। मैं एक आपको एक चीज़ बता दूँ, जिन लोगों को इस बात की दिक्कत है, जिन लोगों को इस बात पे क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क जुदाई के परेश रावल का याद आता है ना आपको, ऐसे बहुत सारे मार्केट में लोग हैं ऐसे परेश रावल बहुत है जो हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, 1.5 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे? आपको क्या लगता है कि अगर वित्त मंत्री को आप सब लोगों ने इतना भला बुरा कहा, इतना कोसा, उसके बावजूद उन्होंने 4-6 हफ्ते लगाए, बजट के बाद 2-3 महीने लगाए इस पैकेज का ऐलान करने में, तो उन्होंने गिना नहीं होगा कि 1.5 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? 100% गिना होगा। और मैं बता देता हूँ, 1.5 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियों में स्ट्रेटेजिक सेल करने से आएगा। और ये खबर आपके सामने आ गई, देख लीजिए, BPCL हो, कौन कौर हो, ये वो सरकारी कंपनियाँ हैं जिनमें तैयारी है स्ट्रेटेजिक सेल की। ये अब 2-2, 5-5% नहीं बिकेंगे, पूरा एक साथ दमदार बड़ा भाव, तो फिर दम, प्रीमियम मिलेगी ना। अच्छा, मार्केट प्राइस से ऊपर। ऐसे थोड़ी बंसल जी आज आपको भाव दे रहे हैं कि BPCL 900 हो जाएगा। सरकार के हाथ में रहते हो, कभी BPCL 900 होगा? बंसल जी को भी कॉन्फिडेंस नहीं। बंसल जी के चार्ट पे अगर दिख रहा है BPCL 900, तो सिर्फ इसलिए होगा कि ये कंपनी सरकारी ही नहीं रहेगी, तो फिर BPCL क्यों नहीं होगा? सुबह कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन ये यहीं से आएगा पैसा, 1.5 लाख करोड़ तो ये यहाँ से है। बंसल जी, आपके BPCL के टारगेट आएंगे तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे, ये सरकारी कंपनी नहीं निजी कंपनी हो जाए, मान रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, मैंने भी यही बोला था कि 51% स्टेक अगर ऑफलोड होता है तो अनिल जी 1 लाख करोड़ BPCL से खड़ा होगा। और अनिल जी, ये स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, जिन स्तरों पर चल रहा है ये 433-434 के ऊपर की कंफर्टेबल क्लोजिंग आती है, तो भी अनिल जी शॉर्ट टर्म में भी 500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट क्लियरली ये डू नॉट मिस काइंड की अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में। अनिल जी देखिए, फ्रंटलाइन स्टॉक, इंडेक्स का स्टॉक ऐसा कंफर्टेबली आइडेंटिफाई करना जिस पे बैट करना कि 2-3 साल में डबल हो सकता है, तो BPCL इज वन ऑफ दो स्टॉक, मिस नहीं करना चाहिए, खरीद के होल्ड करना चाहिए इसको। बिल्कुल, खरीद के होल्ड करें। और फिलहाल तो बड़ा ट्रिगर साफ तौर पर जिन जिन सरकारी कंपनियों में डाइवेस्टमेंट आएगा, अब किस में पहले आएगा किस में बाद में आएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन बहुत जल्दी सरकार फैसला लेने वाली है इस चीज़ पर, ये ध्यान में रखिएगा आप, और ऐसे में बड़ी तेज़ी बनेगी इन तमाम सरकारी कंपनियों में, इस पर फोकस कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये है स्टॉक्स जो एक्शन में, और दिन के मजबूत लेवल पर फिर से हमारा ये तो हो ही चुका है, ठीक है? ठीक है, तो आगे बढ़े। अब एक और स्टॉक है DHFL, इस स्टॉक में आज 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, और क्यों है ये गिरावट? दरअसल कंपनी पर सरकार के कंट्रोल लेने की खबरें चल रही है। अब क्या है डिटेल से बताने के लिए हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी है, पूजा बताइए। जी देवांशी, देखिए पूरी खबर ऐसी थी कि बैंक ने कंपनी के लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ICA साइन किया था, जिसमें बैंकर्स और बॉन्ड होल्डर्स के बीच कोई भी अग्रीमेंट नहीं पहुंच पाया है, और 25 सितंबर ये डेडलाइन है जब उनको रेजोल्यूशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, लेकिन अब ये पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। ये भी खबर आ रही है कि बॉन्ड होल्डर्स DRT जा सकते हैं, तो कोई भी यहाँ पर अग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोसेस को लेकर। तो अब ये खबर आ रही है कि सरकार इस पूरे मसले पर IBC के तहत 227 को इन्वोक कर सकती है, जिसके के मुताबिक सरकार का कंट्रोल आ जाएगा, IBC प्रक्रिया के बाहर ये जो पूरा मैटर है ये निपटता हुआ नजर आएगा, इसमें IRP की भी जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसकी भी यहां पर कोई भूमिका नहीं रहेगी, सिर्फ RBI से चर्चा की जाएगी, और अगर RBI मान जाता है तो तमाम कंपनियों को, जितने भी लेंडर्स हैं यहां पे, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां जो भी इन्वॉल्व हैं, उनको एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जो भी इसको लेकर फैसला होता है। अब ये बुरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि ये मैसेज सही नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसा देखने में पहली बार आएगा कि सरकार किसी तरह से इन्वॉल्व हो रही है किसी खराब NPA या स्ट्रेस्ड एसेट को लेकर, सरकार यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, और अगर जो भी यहाँ पर डिसीजन लेगी अगर वो बैंकों पर थोपा जाता है तो यहाँ पर बैंक को भी कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है, DHFL के लिए भी कुछ ना कुछ नुकसान की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। जो रिकवरी है, रिकवरी का जो अमाउंट है उसमें भी कमी आते हुए दिखाई देगी, तो ये पूरा प्रोसेस सही नहीं माना जा रहा है अगर सरकार यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लेती है। और 25 सितंबर डेडलाइन भी है, रेजोल्यूशन प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है, और उसके चलते आज हम देख रहे हैं सुबह से ही ये स्टॉक दबाव में ट्रेड कर रहा है, अभी भी करीब 3.5% से ज़्यादा की कमजोरी देखी जा रही है स्टॉक में।
बिल्कुल, तो DHFL आज के दिन में यहाँ पे लगातार गिरावट का रुख बनता हुआ दिख रहा है, 42 के लेवल्स के नीचे DHFL में ये स्टॉक में कारोबार जरूर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच अनिल जी, जिस तरह से तेजी हुई है, मुझे याद है कि एक गुरु ज्ञान मिला था मुझे शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, जब मैंने सीखा था कि जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि मैंने तो पहली बार देखा इस तरह से बाजार गिरते हुए और उसके बाद ऐसी स्क्रीन पर तेजी होते हुए, मैंने भी पहली बार देखा। हाँ, आपने भी ये कहा था, मैं भी सीखा हूँ काफी कुछ। बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं, पिछला हफ्ता तो बेहद लर्निंग वाला था इसमें। बिल्कुल, लेकिन वो जो वीडियो है ना कि आपने कहा कि इससे मेरे को क्या सीख मिली, इससे जो नए ट्रेडर्स हैं इनको क्या सीख मिली, आपको याद है? हाँ, मेरे ख्याल से मतलब जो लोग है ना लेट मार्केट में आए हों उनको, अगर उन लोगों ने अगर पिछले शुक्रवार से ये जो शुक्रवार गया और उसके पहले वाला शुक्रवार, 6 ट्रेडिंग सेशन अगर जिसने, मैं समझता हूँ कि ये 6 ट्रेडिंग सेशन मार्केट में जिनको इंटरेस्ट है उनको पढ़ना लिखना चाहिए, और हर एक इंस्टीट्यूशन में जो मार्केट से रिलेटेड पढ़ाई कराती है उनको ये 6 ट्रेडिंग सेशन का एक कोर्स रखना चाहिए। मैं वही कह रही थी कि सारे के सारे जितने भी व्यूअर्स हैं इन्होंने नीचे कमेंट सेक्शन में बस एक ही चीज पूछी है, अनिल जी आप ये कैसे कर लेते हैं, आप ये जो सीक्रेट सॉस मार्केट है, हमको नहीं करने वाला मार्केट है। हाँ, लेकिन ये जो सीक्रेट सॉस है ना, जो स्क्रीन को देख के आपको लगता है कि कुछ होने वाला है, ये जो आप हर बार कहते हैं कि कुछ होने वाला है, अब बहुत सारी क्वेरीज आ रही है इस पर, अरे वाह, थोड़ी सी सॉल्व कर दीजिए, मेरी इंक्लूडिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये नहीं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जो ये पूछने के लिए, तो कब से आप सिखा रहे हैं ये सीक्रेट सॉस कि आपको स्क्रीन पे तेजी दिख रही है, कुछ हो रहा है इसका जो जवाब है, गुरु ज्ञान है। बहुत जल्दी शुरू करेंगे शायद मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से, मंडे से इतना जल्दी, ठीक है? ठीक है, तो हम आपको एक बार झलक दिखा देते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। बात कमाई की, सवाल बॉलीवुड का। अनिल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल मिस्टर अनिल सिंघवी से ये है। अनिल जी, इन्वेस्ट का करना चाहिए? हाय अनिल सिंघवी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हाय अनिल जी, मेरा एक सवाल है, मेरे पास 3 छोटे बच्चे, एंड आई वांट टू नो एज अ मदर मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो सलाह सिर्फ अनिल सिंघवी की, मार्केट गुरु से पूछिए सिर्फ जी बिजनेस पर। तो अनिल जी, जितने भी सेलिब्रिटीज थे सभी जानना चाहते हैं, और सभी पैसा किसको नहीं कमाना, पैसा सबको कमाना है, और जिनके पास ज्यादा पैसा उनको और ज्यादा कमाना है। सनी लियोनी भी पूछना चाहते हैं, आपने इतने समय उन्हीं का नाम क्यों लिया? पता नहीं, मेरे को लास्ट में वही दिखी तो लास्ट में, ठीक है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। लेकिन हाँ, हम अगले सोमवार से एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जहाँ बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं सारे हैं, उनके जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में वो जानना पूछना चाहते हैं, उनको हम बताएंगे कहाँ करना चाहिए। बस हो सकता है हमारे बाकी व्यूअर्स उससे इंस्पायर हो कि अगर बड़े बड़े स्टार समझिए पैसा लगा रहे हैं मार्केट में या अपना इन्वेस्टमेंट सही कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, और ये वो लोग हैं जिनके पास नाम पैसा सब कुछ है उसके बावजूद वो कर रहे हैं। तो ये अगले सोमवार से सुबह 9:45 और शाम को दोपहर में 2:45, 9:45 और 2:45 ये जरूर देखें। बंसल जी, आपने देखा कि नहीं देखा ये? बंसल जी, ये आपका ध्यान नहीं गया, फिर से दिखा दूं एक बार? नहीं अनिल जी, ये तो मैंने देखा अभी, जो सोनाक्षी सिन्हा से जो शुरुआत हुई थी, वो तो अनिल जी मैंने पूरा देखा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो गुरु ज्ञान ही नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए मार्केट में ये भी पता चल जाएगा। बिल्कुल, उनकी हम बताएंगे कि जो जितने ठीक है, एक एक पोर्टफोलियो आप देखेंगे इनका, इसके लिए इंतजार कीजिए, इसके लिए इंतजार कीजिए इसके। ठीक है जी, कुणाल जी। अरे जी, ये देखिए, जो ये सेलिब्रिटी लोग आपसे सवाल कर रहे हैं तो इनके जवाब कुछ अलग होंगे क्या? हाँ, इसमें देखिए, आप सवाल पूछेंगे तो अलग जवाब होगा, बंसल जी पूछेंगे तो अलग होगा, और जाहिर सी बात है सोनाक्षी सिन्हा पूछेंगे तो और अलग होगा। अनिल जी, पहले ही अंदेशा था, सेलिब्रिटीज की तस्वीरें देखकर ही मुझे समझ आ गया था, अनिल जी वो व्यवहार आप नहीं करेंगे उनके साथ जो हमारे साथ करते हैं। नहीं, जितना प्यार से आपको जवाब देता हूँ उतना ही प्यार से उनको भी दूंगा, ठीक है ना बंसल जी? देखिए अनिल जी, ये जो भेदभाव का और आप कुणाल जी लगा रहे हैं उनको तो अनिल जी लगाना नहीं चाहिए। स्कॉच ब्राइट के बारे में हम उससे पूछते हैं, कुणाल जी से तो पूछते नहीं है, तो वो किस परिपेक्ष में ये आरोप आप पे लगा रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, चलिए, तो ये है हमारी खास पेशकश जो अगले सोमवार से, जो नेक्स्ट मंडे आ रहे हैं, आज नहीं, अगले हफ्ते बिल्कुल वहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ये प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछेंगे।
बिल्कुल, तो यहाँ से मिलेगा आपको सीक्रेट सॉस, यहाँ से मिलेगा आपको गुरु ज्ञान। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज काफ़ी स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स है जहाँ पे आज खरीदारी अच्छी होती हुई दिखी, क्योंकि हमने सेलिब्रिटीज़ की बात की, वैसे एक स्टॉक सामने आता हुआ दिखा, इनफैक्ट दो स्टॉक सामने आते हुए दिखे, आइनॉक्स लीजर और पीवीआर, ये दोनों ही स्टॉक में आप देखिए आज अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी है। सचिन जी, पीवीआर, आइनॉक्स लीजर, ये तो शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भी चल रहे थे, उससे पहले भी चल रहे थे, कितनी ज़्यादा तेजी है अभी? और इनफैक्ट आइनॉक्स काफ़ी समय से रेडार पे भी है, इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं रुझान देखूँ तो मुझे लग रहा है अराउंड 355 तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में जगह अभी भी है, तो यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग्स भी इनिशिएट करने हैं तो आई थिंक 320 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर यू नो फ्रेश एडिशंस करने चाहिए। ओवरऑल अगर हम पैटर्न स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक क्लियर कट यू नो रिवर्सल सेट हो गया था अराउंड 260 के आसपास, और जिस तरीके से अभी मोमेंटम बढ़ रहा है मुझे लग रहा है एक बार ये वापस यू नो अपने जो लाइफ हाइज थे अराउंड 380 के आसपास वो रिविजिट कर देगा, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 355 के टारगेट से चलना चाहिए एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 320 का। ओके, तो ये है आपके लिए राय। आइए अब छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, इसका वक्त हो रहा है तो आपको मिलेंगे दो बेहतरीन ऑप्शन, लेकिन उससे पहले आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं और वो बताने के लिए, और आशीष जो बताएंगे उससे थोड़ा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज इतनी तेजी की वजह क्या है, प्लस एक अंदाजा और लग जाएगा कि आगे भी तेजी जारी रहेगी या नहीं। आशीष, है ये सब जानकारी आपके पास? बिल्कुल सारी जानकारी है, बताओ। शुरू करते हैं, विदेशी निवेशक, जो कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती हुई है, विदेशी ब्रोकर्स काफी पॉजिटिव मान रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे छोटी अवधि में तो फायदा होगी, लॉन्ग टर्म में भी बढ़ेगा फायदा होगा, क्योंकि कंपनीज की अर्निंग्स में काफी बढ़ोतरी होगी, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी तो केपेक्स बढ़ेगा और आगे जाकर भी ये काफ़ी फायदेमंद बता रहे पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। आप देखिए कि इंडेक्स में जो फॉरेन ब्रोकर्स हैं काफ़ी ऊंचे टारगेट दिए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं गोल्डमैन सैक्स ये मार्च 2020 तक 13,200 का लक्ष्य दे रहे हैं निफ्टी पर, नोमीरा 12,545 का लक्ष्य दे रहे हैं, UBS जून 2020 तक 12,300 का लक्ष्य दे रहे हैं निफ्टी पर, और JP Morgan 12,200 का लक्ष्य दे रहे हैं मार्च 2020 तक, काफ़ी ऊंचे टारगेट है। सेंसेक्स पर भी सिमिलरली देख रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली 45,000 का लक्ष्य दे रहे हैं जून 2020 तक, सिटी की राय है कि 40,500 तक चला जाएगा सेंसेक्स मार्च 2020 तक, तो काफ़ी ऊंचे टारगेट है, जो विदेशी ब्रोकर्स हैं इस कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती को काफ़ी पॉजिटिव मान रहे हैं। तो सारे के सारे ब्रोकिंग हाउसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं मार्केट्स में तेज़ी को लेकर, और यहाँ से EPS के जो लक्ष्य हैं वो भी बढ़ा रहे हैं, EPS का अनुमान भी बढ़ा रहे हैं, तो ये सारे ब्रोकिंग हाउसेस मार्केट्स को लेकर काफ़ी 45,000 जी सेंसेक्स और 13,200 निफ्टी गोल्डमैन का टारगेट, वाह 13,200 12,100 है ही है ना अभी तक, और स्टॉक्स पे भी है आपके पास? स्टॉक्स के ऊपर भी है, और ये तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि निवेशकों को मालूम पड़ जाएगा कि कौन से स्टॉक्स रेडार पर हैं। CLSA को ढेर सारे स्टॉक्स पसंद आते हैं, मैंने इनको सेग्रीगेट कर दिया सेक्टर्स के हिसाब से, बैंक में इन्हें पसंद आ रहा है HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC लिमिटेड ये पसंद आ रहे हैं, कंजम्पशन से कोलगेट, ब्रिटानिया, ITC, पिडिलाइट इन्हें अच्छा लग रहा है, तेल गैस में रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, BPCL, ऑटो में भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, हीरो और आइशर, और भी कुछ स्टॉक्स हैं अनएलोकेटेड जैसे LNT है, जी एंटरटेनमेंट है, अदानी पोर्ट्स, ICICI लोम्बार्ड, ICICI प्रोडेंशियल, भारतीय एयरटेल, सनफार्मा, HCL टेक, ये तो रहे CLSA की टॉप पिक्स, क्रेडिट स्वीस की भी कुछ टॉप पिक्स हैं, इन्हें HDFC बैंक, LNT, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक पसंद आ रहा है, और आखिर में मैक्वायरी, इन्हें ये भी काफ़ी पॉजिटिव है बैंकिंग, इंडस्ट्रियल और ऑटो सेक्टर को लेकर, ये खपत के सेक्टर्स पर अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, और HDFC और LNT मारुति जैसे दिग्गज इन्हें पसंद आ रहे हैं। टोनल जी, ये तो सारे स्टॉक्स उनको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बाजार को तो यही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, तो सारे के सारे ब्रोकिंग स्टॉक्स में भी आज खरीदारी होती हुई दिख रही है, बहुत ही तगड़ी खरीदारी हो रही है, भाई लोगों का इंटरेस्ट वापस आ गया, वॉल्यूम हो रहे हैं, पिटे हुए शेयर भी हैं, तो मतलब भाव से बुरे नहीं है, तो इंटरेस्ट तो आ रहा है। सचिन जी, डेफिनेटली सर, इनफैक्ट उसी लिहाज से एडलवाइस का जिक्र किया था, जिस तरीके से मोतीलाल ओसवाल जैसा स्टॉक भाग रहा है, और मेरे रेडार पे ICICI सिक्योरिटीज काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है, अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन में रहा था स्टॉक, और पिछले यू नो 7 महीनों से एक कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज में रहा था, तो जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम बन रहा है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 360-365 की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, जिस तरीके से इस पैटर्न का टारगेट है, तो 270 के आसपास ये ब्रेकआउट लेवल था, तो मुझे लग रहा है अराउंड 275 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए, एक फ्रेश कैंडिडेट है, तो जिस तरीके से रिवर्स हुए मुझे लग रहा है एक बहुत ही बड़ा अक्यूमुलेशन फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, और यहां से मोमेंटम और भी तेज होना चाहिए। ओके, तो ये है इस वक्त आपके लिए इन तमाम स्टॉक्स पर राय, लेकिन आइए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, तैयार है सुमित बगड़िया चॉइस ब्रोकिंग से।
तो क्या है चॉइस ब्रोकिंग की चॉइस ऑप्शन में? सुमित जी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। यस सर। अनिल जी देखिए, मार्केट में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली है दो दिन में, शानदार देखने को मिला है। यस। और आज भी एक फॉलो को बहुत अच्छा देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा। सिर्फ दो दिन के लिए ट्रेड होगा, कल के लिए या मैक्सिमम परसों तक के लिए। करंट एक्सपायरी का है, 11,600 का पुट लेने की सलाह रहेगी। अभी चल रहा है 90 रुपए 95 रुपए के आसपास, 100 रुपए है, 100 रुपए भी बाय कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा, तो जो स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं वो ही करें। 60 रुपए का इसमें लगाए स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का फॉल शायद मेरे को ऐसा लग रहा है निफ्टी पे यहाँ आ सकता है। तो सिर्फ मोमेंटम खेलने के लिए, सिर्फ ट्रेडिंग मूव खेलने के लिए ये ट्रेड दिया है मैंने, 100 से 150 पॉइंट के फॉल के लिए। इसके अंदर 600 के पुट के अंदर खरीदारी करें। 150 रुपया और 180 रुपया ये मूव हमको देखने को मिलना चाहिए इस पुट के अंदर। अजय, क्यों ऐसा करना चाहते हैं आप? अनिल जी ऐसा है कि इतनी बड़ी मूव मिली है दो दिन में, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है, और अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा तो हमें बड़ी तेजी के लिए अच्छा संकेत होगा। सही जवाब। 11,500 आ जाए तो फिर से खरीदने का मौका होगा, लेकिन तब तक के लिए एक बार पुट लिया जा सकता है। थोड़े ओवर हीटेड मार्केट हो सकता है, कल का पुट कॉल रेशियो आपको इस तरफ इशारा भी करे कि बाजार थोड़े ओवर बॉट हो रहे हैं। आइए दूसरा ऑप्शन सुमित जी, वो कुछ खरीदेंगे ना ऐसे सामने? नहीं नहीं, दूसरा भी स्टॉक के अंदर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आज ऊपरी लेवल से हमको गिरावट और दबाव देखने को मिल रहा है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में जो कल के लोज ब्रेक हो रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इतने बड़े तेजी के मूव के अंदर जिस स्टॉक ने लो ब्रेक किया है उसमें शायद यहाँ से थोड़ा सा दबाव और देखने को हमको मिलेगा। तो 430 का पुट लेने की सलाह रहेगी। अभी स्पॉट लेवल के हिसाब से 427-426 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 430 का पुट लेने की सलाह रहेगी, 7 रुपए के आसपास। शायद मेरे को लगता है अभी भाव थोड़ा बढ़ गया, 8 रुपए आ गया है, बट अभी भी ले लो। अगर यहाँ से 1 रुपए नीचे मिलता है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेस्ट बैठेगा। 3.5 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस दिया था जब मैंने ट्रेड बनाया था तभी, और इस पुट का वैल्यू 10 से 15 रुपए का फॉल होगा स्पॉट के अंदर, तो पुट का वैल्यू होगा 11 रुपए इमीडिएटली और 14 रुपए फिर 2 दिन के टारगेट होंगे। अनिल जी, जब बाजार गिर रहे थे तब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में लगातार तेजी थी, अब जब मार्केट तेजी में तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आज प्रॉफिट वाली। हां इंटरेस्टिंग, सुमित जी जनरली तेजी में रहते हैं, लेकिन इस बार पहली बार थोड़ा पुट ऑप्शन में आए, मजा आएगा, देखते हैं क्या कुछ होता है एक्शन। तो सुमित जी की राय है पुट ऑप्शन खरीदने की फिलहाल। ओके, इंश्योरेंस स्टॉक्स मजबूत हैं, अभी भी खरीदने जाए? चोपड़ा साहब यदि हाँ तो आपकी लिस्ट में कौन से शेयर है? देखिए, एक मूलभूत चीज समझनी बहुत जरूरी है, और ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है अनिल जी, की इंश्योरेंस स्टॉक्स मुझे क्यों अच्छे लगते हैं। इनमें जो भी पैसा आता है वो लंबी अवधि के लिए आता है, और जो भी पैसा लंबी अवधि, मैं जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे HDFC लाइफ है, तो इन कंपनीज में पैसा रुकता है, और जब रुकता है तो, और जो वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट्स में, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे स्टॉक मार्केट रिजल्ट्स देते ही देते हैं, रिटर्न्स आते ही आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, तो जिससे ये लोग आराम से अपना पेमेंट्स भी कर सकते हैं कस्टमर्स को। नंबर दो, अगर आप जनरल इंश्योरेंस की बात करें, अभी जो ड्रामेटिक मूव हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो व्हीकल के लॉज बदले हैं, मुझे लगता है कि उसकी वजह से लोगों ने एक ताता सा लग गया, एक लाइन लग गई है अपने इंश्योरेंस कराने का, लोगों में एक नई जागरूकता आई है, जो पहले बिना इंश्योरेंस के ही गाड़ियाँ चलाते रहते थे इवन छोटे शहरों में, तो अब वो बिज़नेस एकदम से बढ़ा है, और जिसका रिजल्ट आपको आने वाले 1-2 तिमाही में दिखेगा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हों, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हों, लंबी अवधि के लिए दोनों को खरीदा जा सकता है, और इंडिया बहुत अंडर इंश्योर्ड कंट्री है अनिल जी। अगर आप डेटा पढ़ें तो मुझे लगता है कि अभी भी लाइफ इंश्योरेंस में बहुत जगह बाकी है, लोगों ने अपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा रखे, उनको टर्म इंश्योरेंस क्या है ये भी नहीं पता, और जहाँ तक जनरल इंश्योरेंस की बात है तो अभी भी बहुत अंडर इंश्योर्ड है भारतीय जो लोग हैं, तो मुझे लगता है दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है। तो ये है इंश्योरेंस कंपनी पर आपके लिए राय, लेकिन सरकारी कंपनी में जो तेजी बन रही है वो बड़ी कमाल की है, जबरदस्त है। एक सरकारी स्टॉक आप भी रिकमेंड करना चाहते हैं? बिल्कुल BTST का बिल्कुल सचिन जी के लिए, और एक स्टॉक आपके लिए आ रहा है, बताए सर। अनिल जी, न्यूज फ्लो जैसे बाहर आई उसके बाद जिस तरीके से पोजीशन बंदी और प्रीवियस डे स्विंग हाई उसने ब्रेक किया है BPCL ने, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक
यू नो इंट्राडे चार्ट पे एक पेनेंट ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हुआ है. सो 442 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी है. ऊपर के टारगेट्स होंगे अराउंड 475 के एंड 485. ये दो टारगेट्स होंगे. 475 485. क्या बात करें, काफी बढ़िया ब्रेकआउट है ये. अच्छा क्या हो क्या गया एकदम, मतलब ऐसा लगता है आज ही प्राइवेटाइजेशन हो गया इसका. नहीं बिना की खाली ख्यालों से देखो कितना काम हो जाता है. सरकार ने ख्याल किया कि ऐसा कर दे हम और नसीब बदल गया कंपनी का. ये नहीं ऐसा नहीं है. सरकार के लिए भी एक स्टेटमेंट कृपया करके वो कहते हैं कि चोपड़ा जी आपने तो सुना होगा पढ़ा होगा और कहा भी होगा कई जगह गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस राइट. अगर बिजनेस से बाहर निकलने की सोच भी ले सरकार तो बीपी सेल कितनी बढ़ रही है वो देख लीजिए. क्या कहेंगे आप? नहीं ये बात आपकी बिल्कुल निश्चित रूप से सही है कि सरकार का इंटरवेंशन क्यों जब कोई कंपनी प्रोफेशनली चलाई जा सकती है. और हमारे यहाँ पे जो सरकार का तंत्र है बहुत बहुत विचित्र है और बहुत विशेष है. पूरी दुनिया में इस प्रकार से नहीं होता है. यहाँ पे विम्स एंड फैंसीज होती हैं. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, लोकल पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेंटर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी बन जाती है. और इस वजह से जो प्रोफेशनली रन कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत सारी इनएफिशिएंसीज पैदा हो जाती हैं. जो आप देखिए सेल और भेल जैसी कंपनीज जिस भाव पर आज ट्रेड कर रही हैं और ये नवरत्न कंपनी, हमने पहले भी डिस्कस किया कि नवरत्न जो है ज़मीन पर पड़े हुए मिल रहे हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो BPCL HPCL जैसी कंपनीज हो, तो इनको बहुत अच्छे से प्रोफेशनली मैनेज किया जा सकता है. हाँ इसके अंदर बोर्ड रिप्रेजेंटेशन जरूर हो सकती है सरकार की, मगर डे टू डे एक्टिविटीज़ में सरकार का डेफिनेटली कोई रीज़न नहीं है कि वो बिजनेस में हो. और ये एक अच्छा स्टेप है कि सरकार अपने, जैसे मोदी जी ने एक बार शुरुआत में कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो वो गवर्नेंस पे ध्यान दे, गवर्नमेंट पे नहीं. तो गवर्नमेंट को बाहर निकलना चाहिए और खास करके जो सिक यूनिट्स हैं जहाँ पर उनका पैसा जल रहा है, तो वहाँ पर जैसे हल्दिया पेट्रोकेमिकल जैसी कंपनीज हैं या बहुत सारी ऐसी HMT जैसी कंपनीज हैं जहाँ पर अभी भी कुछ काम नहीं होता, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, उनके लैंड बैंक्स हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर को निश्चित रूप से दे देना चाहिए. और एयर इंडिया के लिए कोशिश करी ही जा रही है, इसके अंदर सरकार को थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके इसको बाहर करना चाहिए. और बहुत सारे अच्छे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि इन एसेट्स को ले लेंगे और इनमें धंधा पैदा कर देंगे. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार का जो फोकस है वो बिजनेस पैदा करने पे होता है, वो गवर्नेंस पे रहना चाहिए. और मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा था पिछली इलेक्शंस में कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो गवर्नेंस पे ध्यान दे सरकार और इस चीज़ पे नहीं कि रोज़मर्रा क्या हो रहा है. तो इट्स अ गुड स्टेप आई वुड से. ओके अच्छी स्टेप है. और कौन कौन, मंसल जी आप लगातार रिकमेंड कर रहे थे, आप और वागले साहब दोनों मिलकर कौन-कौन देखिए, मेरे ख्याल से 510-15 के आसपास से बोल रहे थे, अब 585 हो गया. ले ले सारा का सारा पैसा भी. देखिए अनिल जी, इसको 504 505 रुपए से मैंने और वागले जी और कुणाल जी ने भी रिकमेंड कराया स्टॉक. और अनिल जी जो जिन कंपनियों के बेचने की बात चल रही है, स्ट्रेटेजिक सेल की बात चल रही है अनिल जी, उसमें कॉनकोर का नाम भी आता है. तो अगर किसी का हाजमा है और कोई मुनाफे को हजम करना चाहता है तो आई फील रिस्क वर्थ टेकिंग है. किसी ने नीचे लिया है तो होल्ड करना चाहिए. ओके तो लेकिन हम आपको सरकारी कंपनियों के बारे में लगातार बता रहे हैं कि कौन सी है वो सरकारी कंपनियां जो होनी चाहिए आपकी लिस्ट में खरीदारी करने के लिए. आज आज ऐसे ही 50, 100 और 200 की कैटेगरी में आपको बताया गया था वो स्टॉक जिसने दिया आज शानदार रिटर्न. आज के आज ही MSTC देख लीजिए. MSTC हाल फिलहाल में ये लिस्टेड कंपनी है, तीन मेन कारोबार में है. एक तो है ई ऑक्शन, दूसरा है इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मुहैया प्रोवाइड करते हैं, और तीसरा है रीसाइक्लिंग. स्क्रैपेज पॉलिसी है सरकार की ओर से, वो शायद एक नेक्स्ट मेजर ट्रिगर है. तो कोई भी ऑक्शन होता है, कोई भी राज्य सरकारों की ओर से बोलियां मंगवाई जाती हैं, या तो कोई खदान हुई या फिर कोयले की अगर बोली लगती है, तो उसमें इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस है. MSTC आज 50, 100 और 200 रुपए वाली कैटेगरी में ये आपको बताया गया था. वहाँ से जो इसने तेज दौड़ लगाई है नॉन स्टॉप, ऊपर में तो 146 तक भी पहुँचा, अभी भी 101 के आसपास है. यही इस सेगमेंट के सारे शेयर बड़े कमाल कर रहे हैं. तो MSTC अलजी रिकमेंडेशन दी थी संदीप ग्रोवर ने. संदीप जी भाई वाह वाह कैसे कर लेते हैं सर आपके कहने पे. पहले से सोच के आए थे ऐसे बोलू. नहीं मुझे पता नहीं था कि आप पूछने वाले हैं, लेकिन हाँ इतना पता था अगर पूछना है तो यही बोलना है. ये
इसे कहा जाता है एक बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट, जो न सिर्फ पुराने डेटा देखता है बल्कि आगे का भी अनुमान लगाता है। तो संदीप जी ने पहले सोच रखा था कि अगर मैं किसी कंपनी में मैं निवेश करूं और कंपटीशन बढ़ जाए तो पॉलिसी गवर्नमेंट की बदल जाए तो एक्सपोर्ट करता है रुपया चढ़ गिर जाए तो ये तैयारी करके आए पूरी आपकी रिसर्च को वाकई में हम उसकी सराहना करते हैं। इसमें मैं एक मेरा रिग्रेट है अनिल जी, ये ना स्टॉक हम पिछले कम से कम दो तीन दिन से मैं आपको कह ही रहा था कि इसे कवर कर लेते हैं, बस वही है कि अभी भी थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके ले लिया है क्योंकि जो स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली है ये इनके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है क्योंकि ये अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं करता इस सेगमेंट इनके कारोबार नहीं। अभी प्रॉब्लम हमारी एक है वो ये कि रोज एक ही तो शेयर दे सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं दिन के दो चालू करवा दूं। नहीं आपको कहना है तय मेहनत आपको करनी तय, मैं तो स्टॉक अप्रूव कर दूंगा, हाँ ये ठीक है देख लीजिए जरा। तो क्योंकि अब पॉइंट वो है कि जो समस्या पहले थी वो समस्या अभी भी है। पहले समस्या ये थी कि 500 कैटेगरी 200 कैटेगरी वाले शेयर खत्म ना हो जाए अच्छे वाले, और अब समस्या ये दूसरी कि इससे बाहर ना निकल जाए। पता चला कि हमें 500 वाली कैटेगरी बनानी पड़ेगी क्योंकि 500 200 वाले ऊपर निकल गए। तो मुझे लगता है संदीप एक से ज्यादा शेयरों का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ भाई, हमारे दर्शकों को ही पूछ लेते हैं, ये 50, 100, 200 वाली कैटेगरी के शेयर अगर आपको लगता है कि अच्छे हैं और आपको इनसे फायदा हुआ तो प्लीज हमें बताएं। जो मार्केट का मूड है, कुंभ का मेला लगा हुआ है, 12 दिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को इसमें शाही स्नान जो करना है, डुबकी लगानी, अगर आपको लगता है कि दिन के दो शेयर दिए जाएं तो हम कोशिश कर सकते हैं, जैसा फीडबैक आएगा वैसा देख लेंगे। हाँ, इसमें कैटेगरी आप थोड़ी इधर उधर कर दीजिए, बिल्कुल कई शेयर तो वही उसी प्राइस रेंज की वजह से पीछे रह जाते हैं। करेक्ट, बताइए संदीप अभी आप डॉक्टर रेड्डीज की गिरावट के बारे में बताने वाले। तो ये एक दवा का नाम है, पहले तो मैं पहले माफी मांग लेता हूँ अगर मैं गलत बोलूँ तो, रेनिटिडिन, हाँ ये देवांशी बैठी है ये तो हो सकता है करेक्ट कर दे मुझे, ये एक पेट की दवा है, ये पेट दर्द, हाँ पेट दर्द की एसिड बनता है जो पेट बंद करने की या शुरू करने की नहीं, जो एसिड बनता है ना तेजाब नहीं वो बचपन में ऐसा होता था ना कि आटा पिसवाने जा रहे हैं तो पिसवाए तो गेहूं जाते आटा थोड़ा वैसे ये पेट दर्द की दवा है वैसा नहीं, पेट दर्द ठीक करने वाली है। तो वो जो दवा के इन्होंने रिकॉल किया और खुद से अपनी खुद की मर्जी से स्वेच्छा से ये वॉलंटरीली इन्होंने रिकॉल किया है और दुनिया भर में इन्होंने सप्लाई रोक लिया है, एहतियातन इन्होंने सप्लाई रोकी है, तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब हुआ क्या है, क्यों इन्होंने वॉलंटरीली ऐसा कदम उठाया है, दरअसल यूएस एफडीए ने जो दवा है उसमें एनडीएमए नाम का एक जो केमिकल है वो पाया है, ये आपको बता दें जो एनडीएमए नाम का जो केमिकल है ये दरअसल हानिकारक होता है और इस वजह से लिवर कैंसर होने का भी खतरा है। तो इस खतरे की वजह से और एहतियातन इस कंपनी ने इसे वापस लिया है, लेकिन अब इम्पैक्ट इसलिए देखने को मिल रहा है, असर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस दवा का इनके कुल कारोबार में देखा सराहना आय में करीब करीब 140 करोड़ रुपए के आसपास का कंट्रीब्यूशन है जिसका आप देखिए असर स्टॉक में देखने को मिला है। ना केवल ये कंपनी, कुछ और भी कंपनीज में ग्लेनमार्क, स्ट्राइड्स, बुकहार्ट, सनफार्मा, ये कंपनियां भी इस दवा को बेचती है और उनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आप ग्लेनमार्क को देख लीजिए, इनकी सालाना आय में भी करीब 70 से 105 करोड़ रुपए के आसपास का कंट्रीब्यूशन इनकी बुक्स में आता है, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट ग्लेनमार्क फार्मा पे भी है। लेकिन हाँ, चूंकि ग्लेनमार्क डॉक्टर रेड्डीज ने सामने आके पहले वॉलंटरीली इस कदम को उठा लिया है, अपनी दवा रिकॉल करी है, तो उसके ऊपर असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो डॉक्टर रेड्डीज आप देखिए आज के दिन में करीब 3% की गिरावट थी लेकिन थोड़ी सी रिकवरी डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक में भी आते हुए देखिए, पायकॉन डॉक्टर रेड्डी ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जहां पे आज के दिन गिरावट जरूर आते हुए दिखी थी। डॉक्टर और कितना बीमार होगा सचिन जी, कितना बीमार होने के चांस हो रहे हैं या हो गया जितना होना था, सपोर्ट पे आ गए क्या? आई थिंक इसका काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2700 के आसपास, तो अगर वो ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली काफी बीमार हो जाएगा, बट फिलहाल तो उसने वो मेंटेन किया हुआ है। ऊपर के लेवल्स मुझे लग रहा है जो कल का स्विंग था अराउंड 2840 के आसपास, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी स्टॉक में, एंड ऊपर में रेजिस्टेंस आई थिंक उसको अराउंड 2960 के आसपास ही है, बट 2700 का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से ऑप्शंस डेटा भी है। आई थिंक 2700 का अगर लेवल टूट जाता है तो काफ़ी गहरी गिरावट आएगी, अराउंड 2600 के नीचे भी स्टॉक स्लाइड हो सकता है फिर। ओके ओके, चलिए बढ़िया है। फार्मा शेयर एक ही खरीदना है आपको चोपड़ा साहब, कौन सा वाला खरीदेंगे? डिवीज लैब्स, मुझे लगता है अनिल जी डिवीज इस समय जो फार्मा पूरा का पूरा पैक है उसमें काफ़ी अच्छा प्लेस्ड है, और आप ये देखिए कि इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई जैसे हमने सन फार्मा में देखी या ग्लेनमार्क में देखी, लुपिन में देखी, इवन डॉक्टर रेड्डीज में देखी। अगर आप इसका पिछले 2-3 साल का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, तो मुझे लगता है डिवीज अच्छा स्टॉक है जो लिया जा सकता है, और मेरा जो पर्सनल टारगेट है स्टॉक के लिए 1800 का है,
तो पूरे फार्मा पैक में डिवीज़। और दूसरी बात, मैं इसमें ट्रेडिंग कॉल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी होती है, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए इसको खरीदा जा सकता है कैश में। तो आप देखिए डिवीज लैब, यह है फंडामेंटल राय जहां पे आपको करनी है खरीदारी। 1611 आज के दिन में ये लेवल्स जरूर बनते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक टीवीएस श्रीचक्र, आप देखिए काफी दिनों के बाद स्टॉक में जिस तरह से तेजी आती हुई दिखी है, करीब 10% तक की तेजी स्टॉक में आज के दिन में आई है और करीब एक महीने की ऊंचाई के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी, कोई राय टीवीएस श्रीचक्र पर? देखिए देवंशी, अगर टीवीएस श्रीचक्र को देखें आप तो इसमें आज जरूर एक तेजी बनी है, 2000 का स्तर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस मुझे चार्ट पर 2100 के आसपास नजर आती है। आज वॉल्यूम बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, जो कि औसत वॉल्यूम जो कि स्टॉक में 2500 शेयर का होता है एनएससी पर, आज बढ़कर के 60,000 शेयर का बड़ा वॉल्यूम हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मोमेंटम और बन सकता है, एक बार के लिए 2200 का स्तर भी इसमें देखने को मिल सकता है, 10% की तेजी की संभावना है। तो यहां पर जिनके पास पोजीशन है उन्हें तो बने ही रहना चाहिए, नई खरीद भी कर सकते हैं। 1970 पर एक स्टॉप लॉस रखें, मुझे ये स्टॉक 2100 पहले और 2200 बाद में जाता हुआ दिख रहा है। ओके, ये है आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस अपडेट नहीं हो रहे, मुझे ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। जी हाँ, 11607 काफी देर से निफ्टी में। जरा आपने अपने टर्मिनल खोलिए भाई, सारे लोग तैयार हो जाइए जल्दी से। क्या हो रहा है एनएससी के वेबसाइट पे भी वही रेट है, फ्रीज हो गया। ओके, जल्दी से न्यूज को फ्लैश कीजिए। एनएससी के टर्मिनल्स इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, एनएससी में टेक्निकल प्रॉब्लम है, एनएससी पर ट्रेड्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, कोई डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। आई डोंट नो ट्रेड जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कृपया जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो मुझे इन्फॉर्म करें। कुछ कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे चैनल्स पे आते हैं, वो भी मुझे मैसेज करके भेज रहे हैं एनएससी टर्मिनल स्टॉप्ड वर्किंग, बीएससी ठीक से चल रहा है, एनएससी काम नहीं कर रहा है, एनएससी के टर्मिनल्स डाउन हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ये आपके सामने फ्लैश करते हैं, फुल स्क्रीन पर इसको दिखाइए। एनएससी के टर्मिनल्स बंद हो चुके हैं, ये बड़ी दिक्कत है कि जब बड़े मूव बाजार में हो, बड़ा एक्शन वाला दिन हो, उस वक्त सिस्टम काम करना रोज, ये किसी न किसी तरह की तकनीकी प्रॉब्लम्स लगातार आती हुई दिख रही है और आज फिर से तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी से एक बार ये बता दें, एनएससी के टर्मिनल्स काम करना बंद कर चुके हैं, इस वक्त एनएससी में किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं जा रहा है। अहमदाबाद में बहुत ज्यादा दिक्कतें थी और गुजरात में सबसे ज्यादा दिक्कतें थी, सुबह काफी जगह दिक्कतें थी, बाद में सोल्व भी हुई, लेकिन अभी पिछले 10-15 मिनटों से फिर से बड़ी भारी दिक्कत आ रही है और एनएससी में इस वक्त कामकाज ठप हो चुका है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, कोई प्राइसेस फ्रेश नहीं है, इसलिए प्राइसेस जब रिफ्रेश नहीं हो रही, सवाल क्यों पूछे? ये अगर स्कूल में होता तो कितना खुश होते कि जल्दी छुट्टी हो गई, नहीं जी बिल्कुल, हाँ टीचर नहीं आए, टीचर बीमार हो गए, लोग खुश हो जाते थे बच्चे यार जल्दी छुट्टी, लेकिन एनएससी में यहाँ पर पैसे लगते हैं भाई। जिन लोगों के ट्रेड है, मैं समझ सकता हूँ, कई सारे लोग होते हैं जो आखिरी मिनटों पे अपने ट्रेड करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, कृपया करके मुझे बताएं कि वाकई में ट्रेड भी नहीं हो रहे हैं या सिर्फ रेट्स नहीं हो रही है, नहीं ट्रेड भी नहीं हो रहे जो मुझे खबर मिल रही है, क्या एनएससी में ट्रेड भी नहीं हो रहे हैं? कोई कंफर्म कर सकता है? सचिन जी जरा आप अपने ऑफिस में फ़ोन करके पूछे, कुणाल जी राकेश जी जरा पता करके बताएं कि एनएससी में जो ये बड़ी समस्या आ रही है उसका क्या मतलब है, एनएससी में किसी तरह के कोई ट्रेड नहीं। अनिल जी नहीं ट्रेड नहीं हो रहा, अनिल जी मैसेज आ गया है, क्या आया है बताओ? अनिल जी नहीं ट्रेड हो रहा है, प्राइस भी अपडेट नहीं हो रहे हैं और ट्रेड भी नहीं हो रहा है। ओके, मतलब पूरी तरह से ठप है मामला, चक्का जाम। हाँ बिल्कुल अनिल जी। अच्छा ओके, हाँ भाई बिल्कुल, जो बंसल जी कह रहे हैं वो इस बात की पुष्टि हो चुकी है, एनएससी पर किसी तरह के कोई ट्रेड नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वक्त कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बीएससी पर कर सकते हैं, और बीएससी में एफएनओ के ट्रेड थोड़े लिक्विड कम है, कैश में आप करना चाहें तो बीएससी पर करिए, बाकी एनएससी पर इस वक्त कोई ट्रेड नहीं हो रहे। और जिनके मुझे एक बात का और भी दुख है इसमें, और ज्यादा बढ़ जाता था मार्केट अगर एनएससी खुला होता था, निफ्टी बैंक निफ्टी शायद और बढ़ जाता। बिल्कुल, लगभग 3:05 से यहाँ पर ट्रेड नहीं हो रहे, ये देखिए। बिल्कुल, तो जिनके जो ट्रेड्स हैं, जिन्होंने खरीदारी करके रखी है, सौदे डाले हैं, जिनको आज के आज काटने थे सौदे, फिर वो लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं काट सकते हैं सौदे, कुछ कैसे करेंगे जब ट्रेड ही हो? कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिनके ट्रेड्स बाकी रह गए, या तो एक्सचेंज उनको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसको लेकर क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता,
लेकिन हाँ कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होता है, होना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त बड़ी भारी दिक्कत इस वक्त आती हुई दिख रही है एनएससी में ट्रेड्स को लेकर, टर्मिनल्स में काफ़ी दिक्कतें होती हुई दिख रही है, कोई भी ट्रेड्स यहाँ से नहीं जा रहे हैं एनएससी के, कोई भी टर्मिनल्स पर कोई ट्रेड्स नहीं ले रही है ये टर्मिनल्स, और आप देखें 11,607 इन्हीं लेवल्स पर कब से ज्यादा, कब से हम देख रहे हैं कि एनएससी फ्रीज है, मार्केट स्टेबल सा लग रहा है एकदम नहीं, नो मूवमेंट। ओके चलिए छोड़िए, बीएसई देखिए 1027 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, 39,000 के पार क्लोजिंग की तैयारी सेंसेक्स की होती हुई दिख रही है, ये है सेंसेक्स का हाल इस वक्त। तो पहले आप बढ़ा दीजिए, आखिरी एक मिनट बचा है, कुछ अच्छा काम किया जाए, ये तो अब हो गए बंद, अब क्या कर सकते हैं, एनएससी बंद है, एनएससी में जो सौदे आपके बचे रह गए उनका क्या कुछ होना चाहिए उसकी भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, एनएससी के टॉप मैनेजमेंट से हम बात करेंगे, पूछेंगे भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और जो सौदे नहीं कर पाए उन लोगों का क्या होगा, तुरंत हमारे रिपोर्टर्स और हमारी टीम उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है और पूछेंगे भाई जिन लोगों के रह गए तो क्या है। लेकिन हाँ बीएससी में इस वक्त अभी भी ट्रेड एकदम बराबर चल रहा है, तो जिन लोगों को ट्रेड बीएससी में करना है वो आप कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए, है ना। तो ये है आपके लिए 1000 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पे क्लोजिंग किन लेवल्स पर आती हुई दिख रही है। और आज सबसे पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन्हीं पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तेजी यहाँ पे आते हुए दिखी है, करीब 14% ऊपर बीपीसीएल के इस बने 8% तक की तेजी बजाज फाइनेंस के काउंटर में आते हुए दिखी थी। इसके अलावा पेंटिंग शेयर्स, पेंट शेयर एशियन पेंट्स, बर्जो पेंट्स, ये दोनों ही आप देखिए 52 वीक हाइस के करीब कारोबार होता हुआ, बर्जो पेंट्स एशियन पेंट्स में आज काफी तेजी से कारोबार होता हुआ दिखा था। कंजम्पशन स्टॉक्स आज के दिन में स्टार परफॉर्मेंस रहे। ओके और अभी अभी मुझे ये खबर आई कि आखिरी मिनट में ट्रेड स्टार्ट हुआ है, ये भी न्यूज़ आई है, काफ़ी लोग मुझे ये भी मैसेज कर रहे हैं कि आखिरी मिनटों में, तो शायद जिनके मार्केट ट्रेड्स रहे होंगे उनके ट्रेड्स जरूर डे ट्रेड वाले हो गए होंगे कन्फर्म, लेकिन आखिरी मिनट में हुआ है वो 3:28-29 पर जाकर ट्रेड जाना शुरू हुआ है, ये भी अब मुझे मैसेज मिल रहा है। तो कुछ कुछ सौभाग्यशाली लोग होंगे जिन्होंने पहले ट्रेड डाले होंगे, मार्केट ऑर्डर होंगे या उनके प्राइसेस आ गई होंगी तो उनके ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो गए, लेकिन बाकी लोगों के नहीं हुआ। हो हिला निफ्टी 10,603 से 7 से हिलकर 11,603 पर जाकर बंद होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए आखिरी एक मिनट में हिलाया, ऐसा नहीं नहीं हिलाया, बिल्कुल एक्शन हुआ है बिल्कुल, ये मतलब कोमा वाला पेशेंट नहीं हल्का सा आग पलक ऐसे झपका ऐसा लगा अरे आया फिर से लौट के, वैसी फीलिंग है एकदम नहीं वैसे नहीं है बिल्कुल सर। जब से बीटा आया है तब से काफी ज्यादा दिक्कत है एनएससी की तरफ से आई है, जब से बीटा क्या है, बीटा जो इन्होंने नई वेबसाइट लॉन्च की है। अच्छा ऐसा तो है क्या, हाँ, और उसके बाद तो बीटा नहीं पीटा है। ओके चलिए भाई ठीक है, आधा घंटा और एक्सटेंड कर देते, 4 बजे तक खोल देते, 3:29 पे अगर टर्मिनल चालू हुआ है 10 मिनट और दे दीजिए, कुछ तो ऐसा कर लीजिए कि जिससे लोगों के डे ट्रेड हैं वो सेटल हो जाए, 15 मिनट खोल दें, आधा घंटा खोल दें अगर टर्मिनल चालू हो गया हो तो कम से कम लोगों को अपना इंट्राडे। अच्छा चलिए मान लीजिए आपको नहीं कराना, खाली इतना तो कर सकते हैं कि जिन लोगों की ओपन पोजिशन है वो कम से कम अपना स्क्वायर ऑफ कर पाए या क्लोजिंग प्राइस पर उनको स्क्वायर ऑफ करने का मौका दें, कुछ तो ऐसा करना चाहिए एनएससी को जिससे कि लोगों का नुकसान ना हो। बट एनीवे जो हो गया वो हो गया, अब एनएससी को क्या डिसीजन लेना है एनएससी जाने, हम तो खाली बात रख सकते हैं कि भाई लोगों को एक फेयर चांस मिलना चाहिए उनकी पोजीशन काटने का, अगर उनकी और किसी की अगर पोजीशन शॉर्ट वॉट है रह गई कैश में खुली नहीं कर पाए तो उनके प्रति कम से कम आप सहानुभूति वाला रवैया रखें। मैं तो एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, आज का नुकसान ट्रेडर को ना दें अगर किसी वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि पोजीशन कर जो ट्रेड ना काट पाए हो, मेरे ख्याल से 3:05 के आसपास ही समस्या आई है, राइट 3:05 से जो समस्या आई है उसके बाद से अगर लोगों का ट्रेड नहीं हुआ तो उसके बाद का नुकसान उन्हें नहीं देना चाहिए, कम से कम इतना काम तो एनएससी को कर लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है और ये वाकई में हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स के सिस्टम पर सवाल उठाती है, इसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि टेक्नोलॉजी में गड़बड़ नहीं हो सकती, हो सकती है, आप में सब इंसान हैं, हो सकती है, लेकिन जिस तरह से बार बार हो रही है ये कहीं कहीं हमें ये बता रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का सिस्टम्स पे भरोसा ना हो, एक्सचेंजेस पे भरोसा ना हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसे तुरंत चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे चोपड़ा साहब, ये तो मामला जिस तरह से बार बार हो रहा है ये वाकई में चिंता की बात है? चिंता की बात है और कहीं ना कहीं देखिए मैं लाइव टीवी पे बहुत कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसे क्या डरने की बात है, मार्केट के लोग हैं, इससे मार्केट के लोग हैं तो क्या एनएससी क्या कर लेगा इसमें, बहुत सारे नहीं एक मिनट मेरे को इस बात पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है चोपड़ा साहब आपसे, क्यों नहीं बोलना है
देखिए मैं एनएससी क्या कर लेगा आपका, अगर एनएससी आपके बदले की भावना में कुछ कहे तो मैं बैठा हूं यहां पर, मैं आपकी बात भी उठाऊंगा। ये एक्चुअली ये बहुत गलत चीज है, ये ब्रोकर्स चाहे वो एनमी हो, बीएससी ब्रोकर फोरम हो, ये सब डरते क्यों है एक्सचेंज से? एक्सचेंज को आप लोग फीस दे रहे हैं, बिल्कुल। अगर एक्सचेंज आपको सर्विसेज दे रहा तो कोई एहसान नहीं कर रहा आप लोगों पर, डरने की क्या बात है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अनिल जी। अनिल जी मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारी चीजें शक के दायरे में आ जाती हैं जब इस तरह के काम होते हैं। हाँ तो खुल के बोलिए। तो पहले भी हम देख चुके हैं, हाँ मैं खुल के बोल रहा हूँ ये बात, और आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि हम सबको जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है सामने बोलना चाहिए जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खास करके मार्केट में जब इस तरीके की तेजी हुई हो दो दिनों में लगभग 1000 पॉइंट की, और उसके पश्चात अगर इस तरह से कुछ, तो ये शक के दायरे में इसकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल, और इस जांच के बेसिस पे ये बात पब्लिक करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे हिसाब से ऐसे कोई रिकॉर्ड वॉल्यूम्स नहीं हुए होंगे आज अनिल जी, क्योंकि आप एक बात समझिए कि इस रैली में पार्टिसिपेट करने वाले लोग बहुत कम थे, तो रिकॉर्ड वॉल्यूम्स नहीं हुए, तो सिस्टम क्रैश होने का तो सवाल पैदा होता नहीं। दूसरी बात, इससे ज़्यादा वॉल्यूम्स एक्सचेंजेस पहले ही हैंडल कर चुके हैं, तब कोई क्रैश नहीं हुआ, तो ये आज के दिन ऐसा क्यों हुआ ये मैं फॉर श्योर तो कोई भी नहीं कह सकता, ये तो एक्सचेंज वाला ही बता सकते हैं, मगर डेफिनेटली इस पर जांच होनी चाहिए और इस बात को पब्लिक करना चाहिए कि ऐसे बार बार क्यों हो रहा है। बिल्कुल, पॉइंट ये है कि फर्ज करें आज ये मंथली एक्सपायरी होती तो दो दिन बाद हुआ होता तो एक तो है ना, मैं ये चाहता हूँ कि इस बार है ना एक्सचेंजेज दर्शकों की जानकारी के लिए, मेरी जानकारी आई डोंट नो, आप में से किसी को जानकारी हो तो मुझे बताओ कि ऐसी सिचुएशन में जब 25 मिनट ट्रेडिंग बंद हो और आखिरी 25-30 सेकंड में खुले, उसमें लोग ट्रेड ना कर पाए तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? वो जो ट्रेड बाकी रहेगा लोगों को उनका क्या होता है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? नहीं कुणाल जी, राकेश जी आपको कुछ आइडिया है कि क्या ऐसी सिचुएशन में क्या था? जी अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है, नहीं है ना जी? तो हाँ जी जी जी, चोपड़ा साहब अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसमें, एक मिनट में कुणाल जी मैं आता हूँ आपके पास, पहले चोपड़ा साहब बोल दे। हाँ जी चोपड़ा, अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म एस्टैब्लिश नहीं किया गया एक्सचेंजेस द्वारा कि मान लीजिए टेक्निकल कारणों की वजह से या किसी भी कारण की वजह से यदि कुछ ट्रेड नहीं हो पाया तो उन ट्रेड्स का सेटलमेंट कैसे होगा? जो लोग अपना माल बेचना चाहते थे, जो इंट्राडे पोजीशंस थी या जो बीटीएसटी पोजीशंस थी, उनका क्या होगा? अभी तक ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है सेटलमेंट का, और डेफिनेटली एक एपिलेट जरूर है कि आप जाके एक्सचेंज में शिकायत कर सकते हैं कि ऐसा जैसे मेरा ये नुकसान हुआ ये लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन में, जिस भी तरीके से आप अपील कर सकते हैं, मगर अभी तक मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है इसका। जी जी कुणाल जी आप कुछ कह रहे हैं? अनिल जी देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इंटर ऑपरेबिलिटी है एक्सचेंजेस की। अगर आपने एनएससी पर पोजीशन बनाई है, किसी भी तरह की डेरिवेटिव पोजीशन आपकी एनएससी पर निफ्टी में बनी हुई है या एनएससी पर बनी हुई है, आप उसको बीएससी पर एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें पूरा एग्जिट है, अगर मान लीजिए बीएससी ऑपरेशनल है और एनएससी ठप है तो आपको एग्जिट वहां पर मिल रहा है। अगर आपका बीएससी में खाता है और बीएससी में भी आप ट्रेड कर पा रहे हैं, आपका ब्रोकर वहां पर भी अकाउंट खोल के बैठा है, तो आप वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। तो सारे जो क्लाइंट्स हैं वो चाहते तो बीएससी पे भी निफ्टी ट्रेड हो रहा है, आपके कहने का मतलब ये? क्या नहीं जी, आपके कहने का मतलब बीएससी पे भी निफ्टी ट्रेड हो रहा है फ्यूचर्स? हाँ अनिल जी देखिए, जो भी चीज आपने जो भी स्टॉक खरीदा है उसके, अगर मान लीजिए आपने कॉल खरीदा है, फ्यूचर खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, आप उसको बीएससी पर एग्जिट करके भी निकल सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी है एक्सचेंजेस की, कॉल आपने यहां पर खरीदी उसको एग्जिट बीएससी पर कर दीजिए, वो भी संभव है। लेकिन दूसरी चीज अनिल जी, जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो पॉइंट उठाया बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि किसी भी अगर एक इंस्टीट्यूशन का वर्चस्व इतना बड़ा हो जाता है तो उस पर सवाल ही लोग नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। मोनोपोली जो जब किसी की होती है तो उसका खामियाजा हमेशा कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। नहीं ये हमें एक्चुअली सही बताऊं, मैं एनएससी का कामकाज उस पहले दिन से देख रहा हूं जब 1993 में एनएससी शुरू हुआ था, और क्या वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हमने बनाई है, बहुत ही जबरदस्त, इसमें कोई डाउट नहीं, और एनएससी के प्रति मेरा बड़ा सम्मान है। लेकिन मेरी पुरानी इतिहास, मेरी पास्ट ग्लोरी के बेसिस पे तो मैं आज और फ्यूचर में नहीं रह सकता ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई कर लिया और मैं सीए बन गया तो अब मैं बैठा रहूँ कुछ ना करूँ, आज ना पढ़ूँ तो मैं ऑब्सोलीट हो जाऊँगा। मुझे आज भी उतनी पढ़ाई करनी है जितनी मैंने सीए में की थी। सिमिलर सिचुएशन एक्सचेंजेस के पास है। आपने बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन बनाया, बधाई के पात्र हैं, देश की बड़ी सेवा की, स्टॉक मार्केट को आपने बहुत इस मुकाम तक पहुँचाया। लेकिन अब अगर आप रोज़ रोज़ इस तरह की दिक्कतें आएंगी तो फिर ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। अच्छा दूसरी एक चीज बताओ, प्रैक्टिकली कुणाल जी ये पॉसिबल है क्या, ये इंटर ऑपरेटेबिलिटी की बात आप जो कर रहे हैं कि एक एक्सचेंज का सौदा दूसरे पर? हाँ अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल अनिल जी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर आपने कॉल खरीदी हुई है और आपकी कॉल आप बेचना चाहते हैं, या कोई भी आपने ट्रेड लिया हुआ है जिससे आप एग्जिट चाहते लिक्विड है, आप बीएससी पर एग्जिट करते हैं, सौदा खत्म हो जाता है। लिक्विड है बीएससी पे भी वायदा कारोबार, उतना ही लिक्विड है का इशू रहता है। हाँ, उतना लिक्विड नहीं रहता, स्पेशली स्टॉक ऑप्शंस में अनिल जी उतनी लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बंसल जी कुछ कह रहे हैं आप? और विशेष रूप से अनिल जी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में तो कर ही सकते हैं। देखिए अनिल जी, मैं कहना चाह रहा हूँ जो चीज आपने अभी आवाज उठाई, देखिए अनिल जी, इस देश का प्रधानमंत्री लोगों से मिलता है, अभी आपने गुहार लगाई टैक्स कट को लेकर, वो सुना गया। बट अगर आप एनएससी जाओ अनिल जी, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, एनएससी जाओ तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं सीनियर लेवल पर, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई चोर उचक्का आ गया हो, बात नहीं करते हैं, मतलब कि दे फील जिन लोगों से कमा रहे हैं कि दे आर टच मी नॉट, उनको अवॉइड करते हैं ऑफिस के अंदर। तो ये चीज बड़ी गलत है, और ये चीज अनिल जी बीएससी पे नहीं है, बीएससी का जो स्टाफ है, जो सीनियर मैनेजमेंट है, वो अच्छे से बात करता है, लोगों की दिक्कत सुनता है, बट एनएससी के रवैये में एरोगेंस है। भाई किस चीज का ऐसा घमंड है, ऐसा जिंदगी में हमने क्या हासिल कर लिया भाई? ग्राउंडेड रहेंगे तो सबके लिए अच्छा है। एनीवे, ये तो खैर इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं, गुण हैं, क्वालिटी हैं, दोष हैं, जो भी है, लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि जो भी हो, एक्सचेंजेस आप ठीक से चलाएं, एक मैकेनिज्म लोगों को बता दें कि इस तरह की सिचुएशन में, तो ये चाहता हूँ, ये ना सिर्फ एनएससी से चाहता हूँ, मैं तो बीएससी से भी चाहता हूँ, आशीष जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा और विक्रम लीमे साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी जानकारी के लिए भी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए भी, एक्सपर्ट्स की जानकारी के लिए भी, आप कम से कम ये बता दें कि भाई ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह की कोई घटना हो जाए, लोग अपनी पोजिशन ना काट पाएँ, तो उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, ये सौदे किस तरह से सेटल किए जाएंगे, ताकि एक कम से कम अगर कोई आदमी आपके एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहा है तो उसको ये तो ध्यान में रहे ना कि अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो गई, कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो गई जिसमें मैं अपने सौदे पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे सौदों का भविष्य ही है, ये तो पता होना चाहिए, इतना तो जानने का हक है ना, तो ये तो कम से कम कर ले। दूसरी बात ये, अगर वाकई में इंटरऑपरेटिबिलिटी, क्या 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 बोलते, क्या शब्द, क्या एग्जैक्ट शब्द बताओ, क्या जरा देख, इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं, ऑपरेटर ऑपरेशन नहीं, ऑपरेबिलिटी, खाली ऑपरेबिलिटी नहीं है ना उसमें, इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं है, हाँ टी में एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, एक्चुअली मुझे लगा ही मैं कुछ तो एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, तो टी नहीं है, इंटरऑपरेबिलिटी, ये अपने ऑपरेशन की आदत सुनी है ना, ऑपरेटेबिलिटी, हाँ ऑपरेबिलिटी है, इंटरऑपरेबिलिटी, हाँ हालांकि फिर से गलत बोलूंगा मैं, लेकिन ये जो है जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था, ये अगर ढंग से लागू नहीं हो रही, देखिए एनएससी की भी समस्या हो सकती है, पिछली बार जब ये हुआ था तो मैंने बात भी की थी एनएससी के मैनेजमेंट से, उनका ये कहना था कि भाई हम जब अकेले हमारा चला रहे थे तब सब कुछ ठीक चल रहा था, बाद में बड़ी दिक्कतें आई, तो भाई एक बार आप दिक्कतें अच्छे से सुलझा लो, आई डोंट नो, अब आज भी यही इशू था, वो तो आई डोंट नो, इंटरऑपरेबिलिटी का इशू तो बाद में आना चाहिए, शाम को सौदे बंद होने के बाद मैच होते हैं, चालू मार्केट में कैसे आ सकता है, मुझे ये लॉजिक भी थोड़ा कमजोर है। और क्या प्राइसेस भी चालू मार्केट में भी आ सकता है कि कुणाल जी? नहीं अनिल जी, देखिए ये प्रॉब्लम किस वजह से आई ये मुझे नहीं पता है, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर किसी के पास भी पोजीशन है और मान लीजिए आप इस तरह कभी फंस जाएं, एक एक्सचेंज चल रही है, दूसरी ऑपरेशनल नहीं है, तो ये जो इंटरऑपरेबिलिटी है इसकी वजह से आप अपनी पोजीशन को दूसरे एक्सचेंज पर काट सकते हैं, तो एग्जिट का मौका आपको मिल जाता है, ये एक संभावना है, लेकिन समस्या किस वजह से आई इसका खुलासा तो एनएससी करेगी। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पर सुनाई हो, लेकिन कुल मिलाकर एक चीज है वो ये कि वाकई में चाहे वो किसी एक एक्सचेंज का हो, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हो, इन सिस्टम्स को, इन प्रोसेस को देखना बहुत ज़रूरी है, पहली बात कि कहाँ दिक्कत हो रही है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो लोगों के ट्रेड्स का क्या होगा, वो चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर थ्री, क्योंकि अगर ये चीज़ें क्लियर होगी तो न तो लोग ब्रोकर को दोष देंगे, न लोग सिस्टम को दोष देंगे कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ें हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि इसका सिस्टम क्या है, न पैनिक होंगे, तो अगली बार पैनिक ना हो और हमें भी इतना सब ये इस पर शो ना करना पड़े, न खींचना पड़े, खाली ये बोलते हैं हाँ भाई एक टेक्निकल ग्लिच चाहिए, चिंता ना करें आपके सौदे बराबर हो जाएंगे, बस इतनी तो बात है ना। और चोपड़ा साहब, हाँ थोड़ी ऊंची आवाज़ मैंने आपसे बात की, माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं थोड़ा अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाया, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन देखिए ऐसा डरिए मत सर, सच बोलने से मत डरिए, मैं सभी जितने हिंदुस्तान में जितने ब्रोकर्स हैं, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं आपके हाँ आपको मैं मौका देता हूँ, उससे पहले एक चीज कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जितने स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जितने स्टॉक ब्रोकर्स हैं, प्लीज आपको किसी एक्सचेंज से, किसी रेगुलेटर से डरने की जरूरत नहीं,
अगर आपको कोई रेगुलेटर बेवजह तंग करता है आप मुझे लिख के भेजिए, मैं इस जी बिजनेस के मंच पे आपकी बात उठाऊंगा। ऐसा नहीं होता कि आप बोलेंगे नहीं कि अगर मैं आज ये कंप्लेन करूंगा तो मेरा कहीं और कुछ होगा। इस तरह से करेंगे तो कभी आप किसी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते, आप हमेशा झूठ की में दबे रहेंगे। किसी की बात गलत है तो आप सहते रहेंगे, गलत बात को सहन मत करिए, हाँ सही बात है उस पर उंगली मत उठाइए, लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है, स्पेशली ब्रोकर्स, आधे से ज़्यादा ब्रोकर मैं जानता हूँ कंप्लायंस की वजह से, एक्सचेंजेस के रेगुलेशंस की वजह से, उनके ऑडिट की वजह से, 50 चीज़ों की वजह से अपने बिजनेसेस बंद कर रहे हैं। मैदान छोड़ के भागना आसान काम है, बिजनेस बंद करके दूसरा बिजनेस शुरू करना बड़ा आसान काम है, अपने बिजनेस में जमे रहना आसान काम है। हम भी 50 तरह के प्रेशर देखते हैं, आप भी 50 तरह के प्रेशर देखते हैं। सच के लिए रुकिए मत, अपनी आवाज़ उठाइए, डरिए बिल्कुल मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सच का नहीं बिगड़ता, बिगड़ता तो झूठ का बिगड़ता है, चिंता मत करिए। जी चोपड़ा साहब, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए पहली चीज़, मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ अनिल जी। दूसरी चीज़, मैं जो थोड़ा सा हिचक रहा था वो इसलिए था कि जब तक कोई चीज़ सिद्ध नहीं हो जाती उसको बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, वो मैं अग्री करता हूँ कि मुझसे हुई, क्योंकि सिद्ध तो है नहीं, एक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर एक ट्रेडिंग फॉर्म पे यदि जो भी क्लाइंट साइन करता है या जो भी ब्रोकर साइन करता है तो उसमें ये बात वो डिस्क्लेमर साइन करता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो भी कुछ दिक्कत होगी उसमें एनएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये इस बात से एनएससी निवृत्त हो जाती है अपने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अगर वो टेक्निकल फॉल्ट है। अगर उसके आगे भी कुछ है जिसका शक हमें है और जो मैंने आपके चैनल पर लाइव बोला, तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, जब इतना क्रूशल दिन था, जब इतनी तेज़ी हमने देखी और इतना कोई वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, तो वो सिस्टम क्यों बैठ रहा है या उसको बैठाया जा रहा है, ये मुझे क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात, आपने एक बात बोली कि बिजनेस बंद करके भागना आसान है, ये बात मान लीजिए अनिल जी आसान नहीं है। कोई बच्चे की तरह अपनी कंपनी को पाल के बड़ा करता है और उसमें बहुत एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है, उसका करियर जुड़ जाता है, तो बंद करना कदापि आसान नहीं होता। अनडाउटेडली सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो जाते हैं कि उसको बंद करना पड़ता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और जिस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आज NSE 5 पैसे का डेबिट नहीं छोड़ती है ब्रोकर्स पे, तो NSE भी रिस्पॉन्सिबल है कि उसको जवाब देना चाहिए और कि कोई रियायत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। ठीक बात है। और एक चीज़ और, जो आपने कहा कि वो सब लिखवाते हैं और साइन करवाते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट होगा तो उसकी उनकी कोई गलती नहीं, तो फिर एक नया एक्सचेंज बनवाओ सर हिंदुस्तान में। ऐसा एक्सचेंज बनना चाहिए जो ये कहे कि अगर हमारी गलती तो हम भुगतेंगे, फिर हमें NSE BSE नहीं चाहिए, फिर हमें नया एक्सचेंज चाहिए। ये तो हमारी मजबूरी है, दो एक्सचेंज है, हमें ट्रेड वहीं पे करना है, तो वो जो चाहे लिखवाएंगे, लिखना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी चलता है कि आप कुछ भी लिखवाएं, ये तो सेम सिचुएशन वैसी है कि जो मतलब मजबूत आदमी है वो जो चाहे वो लिखवा ले, गलत है। साइन कर लिया इसका मतलब क्या, अगर ट्रेड करना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप टर्नओवर चार्जेस दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, हर तरह के चार्जेस दे रहे हैं, सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं, ऐसा तो मुफ्त में थोड़ी कोई कर रहा है। और जब आप ये सारा सब कुछ कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर जिसकी गलती, अच्छा और कोई ये सेक्शन 25 चैरिटी ट्रस्ट थोड़ी चला रहे हैं, सारे एक्सचेंजेस सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, कुछ लिस्ट हो चुके हैं, कुछ लिस्ट होना चाहते हैं, हर क्वार्टर में आकर इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं कि हम प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनली रन एक्सचेंजेस हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, तो आपको ये करना ही पड़ेगा कि अगर आप ये आपकी बिजनेस रिस्क है, टेक्नोलॉजी फेलियर आपकी बिजनेस रिस्क है, और अगर टेक्नोलॉजी फेलियर होता है, बिजनेस रिस्क होती है, तो उसका नुकसान भी उन्हीं को उठाना पड़ता है जिनके यहाँ हुई है, न कि आपके इन्वेस्टर और ब्रोकर उठाए। सॉरी नहीं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आप चाहे लिखवा ले, जिम्मेदारी एक्सचेंजेस की है। या तो एक्सचेंजेस हमसे पैसा कमाना बंद कर ले, नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाएं एक्सचेंजेस को, कि भाई हम समाजसेवी संस्था हैं, NGO हैं, आपसे पैसा भी नहीं लेंगे, देश में हम वाकई में कैपिटल मार्केट बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को वेल्थ क्रिएट करवाना चाहते हैं, इसलिए हम कमाएंगे नहीं, वैसा तो है नहीं। चोपड़ा जी बोलिए। अनिल जी, अभी मेरे को एक मैसेज आया है कि एस्कॉर्ट्स इन्हीं 5-10 मिनट के दौरान 620 से 680 हो गया, ये चेक किया जा सकता है। तो ऐसा कैसे तो ये थोड़ा सा जांच करने वाली बात जरूर है, बिल्कुल, कि ऐसा कैसे हो रहा है। और मैं एक चीज़ और अंत में ये कह दूं, एक चीज़ अंत में और ये कह दूं
मेरी कोई रेगुलेटर किसी एक्सचेंज किसी के साथ मेरा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन मेरा प्यार है मेरे दर्शकों के साथ, हमारे इन्वेस्टर्स के साथ, वो तो हमेशा रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ रहेगा, और मैं ये आवाज़ उठाऊँगा चाहे कोई कुछ भी कहे, किसी कोई एक्सचेंज नाराज़ हो कोई रेगुलेटर नाराज़ हो, ये तो मैं करूँगा और गलत नहीं कर रहा, इसलिए बिल्कुल भी कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। जो चीज़ सही है हम बहुत तारीफ़ करते हैं, हमारे एक्सचेंजेस बढ़िया हैं, हम तारीफ़ भी करते हैं, हमारे एक्सचेंजेस कभी डिफॉल्ट नहीं करते, काउंटर पार्टी गारंटी रहती है ट्रेड की, सबसे बड़ी बेहतरीन एक्सचेंजेस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम हर अच्छी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही तो हम उसे ना उठाएं, ये मैटर हमेशा उठेंगे जब तक कि ठीक ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ एक्शन है इसके अलावा भी, और मृत्युंजय का पूरा समय तो आज हमने ले लिया, मृत्युंजय आपसे माफी चाहता हूँ इसके लिए, ये लेकिन बहुत अच्छा आपने उठाया और बहुत जरूरी है, हाँ, लेकिन क्या करें अभी अगर मार्केट में ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल, हाँ, लेकिन मैं जल्दी से बता दूं, अच्छा पहले थोड़ा मूड ठीक कर लिया जाएगा बहुत, चलिए सोमवार से हमारी जो खास पेशकश है वो एक बार जरा देख लेते, थोड़ा मूड हल्का हो जाए कि ठीक है भाई ये सब चलता रहेगा, तो सोमवार से हम आपके लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं, बॉलीवुड स्टार्स आपको दिखेंगे और आपको आपको अगर ये जानना है कि वो कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं कैसे लगाना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा, आइए देखिए एक झलक। बात कमाई की, सवाल बॉलीवुड का। अनिल जी मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल मिस्टर अनिल सिंघवी से ये है। अनिल जी इन्वेस्ट क्या करना चाहिए? हाय अनिल सिंघवी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हाय अनिल जी, मेरा एक सवाल है, मेरे पास तीन छोटे बच्चे, एंड आई वांट टू नो एज अ मदर मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ? तो सलाह सिर्फ अनिल सिंघवी की, मार्केट गुरु से पूछिए सिर्फ जी बिजनेस पर। ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं एक्सचेंजेस को पूछ रहा हूँ। चलिए पूछने का सिलसिला बने रहना चाहिए, ये ज़्यादा बढ़िया है। आइए आपको बता दें बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ खास है जी बिजनेस पर। सब्जियों की कीमतों में मानो आग सी लगी है, बाजार में कोई भी सब्जी 50 रुपये से किलो की नीचे नहीं बिक रही है, प्याज 60 रुपये किलो, फ्लावर फूल गोभी 80 रुपये किलो, ओ आलू टमाटर माय गॉड, दूसरी सब्जियाँ सब की सब बेहद महंगी हो चुकी है, यानी कि सब्जी की आसमान छूती कीमतों ने किचन का सारा गणित, मैं गणित क्या भूगोल भी बिगाड़ के रख दिया मुझे ऐसा लगता है, सब कुछ बिगड़ चुका है, और इसी पर है हमारा आज शाम का खास शो, आपकी खबर आपका फायदा में। किचन पर प्याज की गाज, ये मतलब साल में दो बार हमेशा ऐसा ही होता है कि प्याज रुलाता ही रुलाता है, जो काटने वालों को एक बार किसान को एक बार कंज्यूमर, हाँ और एग्जैक्टली एक बार किसान और बाकी काटने वालों को हर रोज, ठीक है। तो ये है आज शाम 6 बजे स्पेशल शो, महंगाई बढ़ती हुई सब्जियों की वजह से, और रात को 8 बजे होगी देश की बात, और देश की बात आज विदेश तक होगी, जी हाँ अमेरिका तक। ह्यूस्टन से मोदी का आतंक पर प्रहार, आतंक पर महामंच से मोदी ट्रंप की हुंकार, मोदी ट्रंप की जुगलबंदी से पाकिस्तान हताश, आतंक को पाला तो अब होगा सर्वनाश, जी हाँ यह है आज रात देश की बात 8 बजे, मोदी ट्रंप की यारी आतंक पर भारी, देखना मत भूलिए, मिस मत कीजिए, मोदी ट्रंप की यारी आतंक पर भारी आज रात 8 बजे। विदा लेने का वक्त है, कुणाल जी राकेश जी आप दोनों से बहुत बहुत शुक्रिया, चोपड़ा साहब एक बार फिर से आपसे माफी मांगते हो आपका भी धन्यवाद, लेकिन सचिन जी आपका भी शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, ओके okay.